में से बहुत से पैदा नहीं हुए थे। सन 80 में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा और उसके बाद सन 90 में हमने 3 स्टार की नौकरी इस्तीफा दी और उसके बाद प्रभु की सेवा में लग गए। सन 91 में पहली कलीसिया की स्थापना हुई और अब तक 15,037 समुदाय से आए हुए लोग प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु की विश्वव्यापी कलीसिया के अंग हो गए। तो ऐसे समय में करीबन 250 से ज्यादा पासबानों को एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के तत्वाधान में पासबानी का अभिषेक दिया गया, बिशप्स ऑर्डेन किए गए और न मात्र भारत में परंतु देश विदेशों में कलीसियाओं की स्थापनाएं हुई। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। ऐसे समय में कुछ आइडिया हम आपको दे सकते हैं जिसको स्वीकार करे तो अच्छा होगा। मैं अपने महान और पवित्र नाम से कहीं बढ़कर अपने वचन को महत्व देता हूं। तो कई जगह कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो जरूरी है, इसका किया जाना जरूरी है, परंतु जो भी फॉर्मेलिटीज हो वो वचन के समय को काट के ना की जाए, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा की कीमत से ज्यादा है। इंसान के लिए ताली प्रभु के वचन के पहले बज जाना चाहिए और उसके बाद जब कलाम का जो वक्त होता है वह हम शैतान को भी नहीं देंगे तो आपकी तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसे समय में एक सभ्यता हमें निर्धारित करनी है। जितने भी याजक लोग हैं और ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एक सलाह है कि यदि वे परमेश्वर के वचन के समय में काट छांट ना करें तो परमेश्वर को भी प्रसन्नता होगी और सुनने वालों को भी आशीष मिलेगी। अब जितने नहीं है ना उससे ज्यादा ऑनलाइन में 3,000 से 7,000 लोग हमको सुनते हैं। ऐसे समय में आप दुनियादारी करते रहिएगा तो प्रभु का अपमान होता है। इसलिए जो परमेश्वर का समय है, वचन का समय है, उसमें कोई हेर फेर ना हो, ठीक है। तो ऐसे समय में हम उसको आदर दे सकते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद का समय खत्म हो गया। अब प्रभु चलते हैं फिरते हैं, उसकी आवाज सुने। और जितने भी धन्यवाद का कार्यक्रम है ना वो वचन के पहले हो जाए। अब 2 घंटे से तुम गाना गा रहे हैं, तुमने धन्यवाद क्यों नहीं दे दिए? बी अंडर द डिसिप्लिन ऑफ गॉड एंड गॉड इज वार्निंग यू पीपल। सो इस बात का ध्यान रखें, खुदा को नाराज ना करें, क्योंकि अभी फॉर्मेलिटी का वक्त खत्म हो गया है। अब तो परमेश्वर की आवाज सुनने का समय है। चोट जरूर लगेगी परंतु सुधार करने से भविष्य में हम खुदा को अपमानित करने से रोक सकते हैं। एक आत्मिक पिता होने के नाते हम आपको सलाह देते, माने तो भला होगा, जिससे कि परमेश्वर को जो महिमा मिलनी चाहिए वो उसको मिलती रहे। प्रभु के भक्त आए तो उनको बिठा लो मत, उनका जो समय उनको दे दो। नो फॉर्मेलिटी, नहीं तो फॉर्मेलिटी कहीं हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। खुदा को प्रशंसा देने के हटके और कोई प्रशंसा का विषय नहीं है। सो वही ताली के योग्य है, वही आदर के योग्य है जो कुछ भी है अपने समय में खर्च करें, परंतु परमेश्वर का समय ना छीने। राइट। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। सो ये सीख सारे भारत के लिए है। सो पिता परमेश्वर को महिमा। प्रार्थना करेंगे। हे सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर एक बार फिर हम आराधना के द्वारा
आपके लिए जो तख्त बनाए मनुष्य की प्रशंसा के कारण उस तख्त में छेद कर दिया, उसके लिए माफी मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर एक बार फिर आपका तख्त हमारे बीच में लगाइए, हम आपको नेवता देते हैं, आपके बिना सभा छूछी और खाली है, जिस कुएं में पानी नहीं हमारी सभाएं भी आपके बिना वैसे ही हैं। प्यारे पिता परमेश्वर आपकी धीमी आवाज के लिए धन्यवाद, एक बार फिर हम बड़ी क्षमाशीलता से आपके पास आते हैं, आपका पैर दाबते हुए कहते हैं हमारे बीच में आइए और हमारे बीच में अपने दिल की बात कह दीजिएगा। प्रभु हम जमीन में फेंके हुए पानी की तरह अपने आप को आपके हाथों में डाल देते हैं, दुआ मांगते हैं प्रभु आपकी अपनी विशेष दया दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। पिताजी आपको हम महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं, आपके दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र कर दीजिए, जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाई जाती है वैसे आपके दासे के माथे में पवित्र आत्मा की लगाम लगाई जाए और जैसा आप मोड़ना चाहते हैं वहां मोड़कर अपने बच्चों को जो आप चाहते हैं वह कहने का अनुग्रह दीजिएगा। हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने हमें एक बार फिर 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन के आखिरी शाम में यह अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के दिल की बातें और उसके हृदय में इस दुनिया के अंत के समय में क्या कुछ करने के लिए है उसको हम समझें। दरिया से 2 गिलास पानी निकाले तो कोई दरिया का लेवल कम नहीं होता है। आप यदि यहां के कानूनों को छोड़ दें, सुबह 6 बज जाएं और यदि आप यहां से उठ के ना जाएं तो भी पवित्र आत्मा के काम की शुरुआत का पहला बिंदु होगा, तो अंत की तो बात ही छोड़ दीजिए। दरिया है खुदा बाप, दरिया असीमित है, अल्फा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, ओमेगा है जिसके अंत के बारे में कोई नहीं जानता, द फर्स्ट एंड द लास्ट, आदि और अंत, प्रथम और अंतिम, अल्फा एंड ओमेगा। सो समय की सीमा में उसके रहस्य को नहीं समझा जा सकता है, इसलिए हमें ज्यादा ही तर परमेश्वर के वचनों में ठहर कर उसकी अद्भुत वाणी पर विचार करना है। और आज का समय बड़ा अनमोल है क्योंकि 3 दिनों में सुबह शाम की शिक्षाओं का कंक्लूजन जो अलग अलग तरीके से हमने सीखा है, सुबह कोई नया विषय था और शाम का कोई नया विषय था और दोनों को मिला के जैसे बिरयानी बनाने के लिए चावल और मटन मिलाते हैं ना, वैसे मिक्सिंग टाइम है, इसलिए आज हमें समय आवश्यकता है। सो आज आप घड़ी मत देखना, हम देखेंगे, देखा तो बिगड़ी तो सुधरेगी कभी नहीं, क्योंकि हमने हाथ से नीचे उतार लिया है। और आज हम आपकी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करना चाहते हैं, आई एम सो सिंसियर फॉर योर फ्यूचर। और इस समय बच्चों को शांत रखें, और कई बार माता पिता बच्चे चिल्लाते हैं तो भी वे उनको शांत नहीं करते, एक दिन वे आपके सिर के बाल नहीं छोड़ेंगे। जब आज आपने उनको नियंत्रित नहीं किए तो जवानी के दिनों में चंदुआ बनाने में वो देरी नहीं करेंगे। मेक द डिसिप्लिन फॉर योर चिल्ड्रन। सो पिता परमेश्वर आपको अनुग्रहित करे कि बच्चों और युवाओं और बच्चों को अनुशासित करने के लिए योएल 2 में लिखा है, दूध पीते बच्चों को भी लेके आओ, दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपनी कोठरी से निकल जाए, और याजक भी वेदी और आंगन के बीच अपना कपड़ा नहीं मन फाड़ फाड़ करके दुआ करें, न जाने दुख देने हारा वाला परमेश्वर पछताए और हमें दुख देने से रोक दे। भयावह वर्ष आ रहे हैं, भयावह वर्ष आ रहे हैं। सो ऐसे समय में आज हम सुबह और शाम के संदेश को मिला देना चाहते हैं। बीते जितने भी संदेश हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर हृदय को स्पर्श करते रहे हैं और आज वो फिर हमारे हृदय को स्पर्श किया चाहते हैं। सो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। कल हम पढ़ रहे थे नए आकाश और नई पृथ्वी को, और थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम निश्चय की वादी में चलेंगे। आज बहुत बातें करनी है हमें,
फिर मैंने नए आकाश और नई प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा, और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा कि वह दुल्हन के समान तैयार की थी और जो अपने पति के लिए सिंगार किए हुए हो, और फिर मैंने ऊंचे शब्द से किसी को पुकारते हुए यह कहते हुए सुना कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और वह उनके बीच में डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहेगा, आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर रहेगा। जिनको परमेश्वर अपने बीच में, जिनके बीच में परमेश्वर रहेगा वही उसके लोग हैं, सब नहीं हो सकते हैं। मैं उनका परमेश्वर हूं जिनके बीच में मेरा डेरा है। नाम रॉबर्ट जरूर हो सकता है पर वे तुम्हारे नहीं है। चर्च के रजिस्टर में नाम हो सकता है, वे मेरे नहीं है। प्रभु यीशु को ग्रहण किए हो सकते हैं, वे मेरे नहीं है। बपतिस्मा लिए हो सकते हैं, वे मेरे नहीं है। पवित्र आत्मा पाए हो सकते हैं, वे मेरे नहीं है। अन्य भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, वे मेरे नहीं है। दुष्ट आत्मा निकालने वाले हो सकते हैं, वे मेरे नहीं है। नौ वरदानों की एक्सरसाइज करने वाले हो सकते हैं, वे मेरे नहीं हैं। मेरे वे हैं जिनके बीच में मैं रहता हूं। और जितने भी जो जितनी लिस्ट हमने बताई, चाहे उद्धार हो, चाहे मोहर लगाना हो, चाहे नौ फल, चाहे नौ वरदान पाना हो, चाहे पवित्र आत्मा पाना हो, ये विश्वास की हरकत है। इट्स अ फाउंडेशनल टीचिंग, इट्स अ ग्रास रूट मिनिस्ट्री। इन सब बातों के पीछे परमेश्वर ने ये सारी बातें फ्री गिफ्ट में हमको इसलिए दी हैं विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड इन द किंगडम ऑफ हेवन। हम बहुत कम समय में मेंढक की तरह कूदते हुए कुछ बातें आपको कहेंगे, दिमाग में रख जगह है तो रख लीजिएगा। मृत्यु के पहले पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के अनुसार जो भी आत्मिक घटनाएं भौतिक संसार में होती हैं उसे परमेश्वर का राज्य कहते हैं। मृत्यु के शरीर में रहने के समय परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी अद्भुत काम होते हैं, चाहे चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे नौकरी हो, अमेरिका का वीजा हो, शादी नहीं होती है, हो जाए, बच्चे नहीं होते हैं, हो जाए, नौकरी लग जाए, कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, यीशु को ग्रहण करके तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, पापियों की लिस्ट से काट कर तुम्हारा नाम धर्मियों की लिस्ट में लिख दिया जाए, आप धर्मी हो जाए, पुत्र यीशु गलातियों 4:6 के अनुसार हमारी आत्मा में आके हमें मोहर लगा जाए, उसके बाद हमें पवित्र आत्मा मिल जाए, हम अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें नौ वरदान दे जाए जिससे हम चमत्कारिक सेवा करने लगे, ये सब विश्वास के द्वारा होने वाली भौतिक संसार में जो भी घटनाएं हैं ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य के अंदर का डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रकटीकरण है। इट्स अ फाउंडेशन। ये हमारी आवश्यकता है, जीते जी हमारी जरूरत है। प्रभु यही करने अकेला नहीं आया था, परंतु वो तो इन सब से हमारा ध्यान हम अपनी ओर केंद्रित करता है जिससे कि हम मृत्यु के बाद वाले जीवन की ओर चित लगाएं, और मृत्यु के बाद वाले जीवन की ओर चित लगाना अनंत काल से जुड़ा हुआ है, और अनंत काल जो है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने और मुर्दों में से जी उठने और जीवित लोगों की महिमा की देह को प्रदान कर देने के बाद जिस राज्य की शुरुआत होती है उसे हम स्वर्ग का राज्य कहते हैं। यदि मुर्दा जिंदा नहीं हुआ और हमारी आत्मा सुखलोक से धरती लोक में आकर महिमा की देह धारित नहीं की, तब तक हमको स्वर्ग के राज्य से कोई लेना देना नहीं है। किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन के अंतर्गत चमत्कार होते हैं, भौतिक दुनिया में कुछ दिखता है,
परंतु किंगडम ऑफ हेवन मृतकों में से जी उठने की कहानी है। इसलिए बाबा पौलुस कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं और उसके मृत्यु की समानता का भागीदार हो जाऊं, जिससे कि मैं उस धन को जिसके द्वारा किसी भी रीति से मृतकों में से जी उठने के पद को मैं प्राप्त कर सकूं। ऐसा बाइबिल में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए उसको सटीक बातों में, शब्दों में कह दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां पर बाइबिल का परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, मैं पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बीच का शब्द में मिस कर गया। जहां पर लिखा हुआ है, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुख में सहभागी होने के मर्म को जानू। मर्म 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 मर्मम भेदम रहस्यम, भेद है ये मसीह की मृत्यु के भागीदार होना, उसके दुख में भागी होना रहस्य है, ये मर्म है, सीक्रेट है, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि किसी भी रीति से उसके जी उठने के पद को मैं प्राप्त कर सकूं। दैट इज द टारगेट ऑफ द मिनिस्ट्री। मृतकों में से जी उठना बाइबिल का लक्ष्यपूर्ण सेवा है, और इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने कहा, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, क्योंकि किसी भी रीति से वह हमको मुर्दों में से जी उठने के हक में लाना चाहता है। जीवित लोगों को महिमा की देह में रूपांतरित करना उसके मिशन का टारगेट है, और वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का राज्य चिन्ह और चमत्कारों से भरी हुई दुनिया हमारा ध्यान केंद्रित करने के लिए है। पवित्र आत्मा हमें चमत्कार करने के लिए नहीं दिया गया, पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बड़े बड़े चमत्कार करके महान परमेश्वर के दास ना बन जाएं। वरने सब बातों से हट करके ये बात बाबा पौलुस को बहुत बाद में समझ में आई, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, वरन एक ऐसे पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझको घोड़े से गिरा करके गधे में बैठना सिखाया। अंधा हो गया था वो, जा रहा था कलीसिया सताने के लिए। और मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं, वरन एक पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो बाबा पौलुस बहुत पहले कर चुके थे। आखिर में उनको हाथ मलते समय कुछ समझ में नहीं आया, इतने भूत निकाले कोई मजा नहीं आया, इतने चिकलीसिया बनाए चलो ठीक है, इतने पास्टर्स और बिशप्स ऑर्डेंड किए चलो ठीक है, परंतु एटलीस्ट मेरी जिंदगी का उद्देश्य तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मुझे खुदा बाप ने घोड़े से गिराया था। दोपहर के टाइम पर जा रहा था मैं कलीसिया को सताने के लिए, तब उस आवाज में, हे शाउल तो मुझे क्यों सताता है। उस दिन से प्रभु के मन में एक बात थी कि बेटा कर ले जितनी मिनिस्ट्री करना है कर ले, परंतु एक दिन अंतिम पदार्थ पकड़ने के लिए तेरी आंखें खोलूंगा तो तू पछताएगा कि इतने दिन मेरे बेकार हो गए मिनिस्ट्री में। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं पा चुका हूं, वरन एक पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। और वही है सिद्धता, और उसकी शुरुआत होती है, मैं पिछली बातों को भूलता हूं, फॉरगेट द बिहाइंड। यही है सिद्धता। खैर ये आ गई बात, वो हमारे बीच में डेरा बनाना चाहता है, और वही है नया यरूशलेम जो अंतिम जगह है जहां पर परमेश्वर अपने 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 लोगों के साथ निवास किया चाहते हैं। 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा, कल हम यहां रुक गए थे, और उसके दूसरे स्टेंजा में लिखा है 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा और 750 कोस ऊंचा नए यरूशलेम में 1000 साल के राज में दो प्रकार के मानव इस धरती पर रहेंगे। सुनो अच्छे से, दो प्रकार के मनुष्य रहेंगे,
एक अमर देहधारी लोग रहेंगे, एक मरणहार देहधारी लोग रहेंगे। आप किस लिस्ट में रहना चाहते हैं, चुनाव आज रात कर लीजिएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, इस धरती पर ही हजार साल का राज्य आएगा। आज हम जब बहुत चिंतन में बैठे हुए थे तो हमने कहा, प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मेरी जो योजना है वह लोगों को बता दे। जी, तो हम अलग अलग जगहों से कुछ विषय लाके चार तीन दिनों की पांच संदेशों में जो कुछ भी कहा गया है उसको हम मिला देंगे, ठीक है ना? आपको मालूम होवे, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने भी मूसा को बोला कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। आज सुबह बहुत अच्छी बातें हम सीख रहे थे, और मिलाप वाले तंबू को गुजराती में कहते हैं मुलाकात मंडप, टेबल निकल, जहां अदृश्य दुनिया और दृश्य दुनिया का संगम होता है, जहां रचना करता रचना से मुलाकात करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जहां सृष्टिकर्ता सृष्टि के साथ मुलाकात करते हैं, जिससे कि सृष्टिकर्ता की अनंत कालिकता सृष्टि के अंदर अनंत कालिकता का प्रभाव छोड़ सके। लिसन बी केयरफुली, वो अल्फा और ओमेगा है और हम मरणहार हैं। वो अल्फा और ओमेगा मरणहार के संपर्क में जाकर मरणहार को अल्फा और ओमेगा में समा देना चाहता है। यही है मिशन। मूसा बाबा भी जब 40 दिन और 40 रात मिला जब सिनाई के पहाड़ में परमेश्वर से बातचीत कर रहे थे ना, तो निकल के आए तो तू उनको तो कोई आइडिया नहीं हुआ, परंतु जब वह निकल करके नीचे आए तो जब इसराइलियों के बीच में छावनी में 10 आज्ञा की पटिया लेकर के गए ना, तो सब लोग देख के घबराने लगे। मूसा बाबा ने बोला, क्या हो गया? मूसा बाबा, तुम्हारे चेहरे से प्रकाश निकल रहा है, हम आपको देख नहीं सकते हैं, बहुत चमक है उसमें। तब बाबा मूसा ने कहा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अरे तुझे नहीं लग रहा है तो क्या हो गया, मेरी हमारी आंखों को तो मोतियाबिंद हुए जा रहा है तुमको देखने के लिए। तब मूसा को पता चला, तब वह अपना चेहरा कपड़े से ढांकता, और जब कभी वह लोगों से मिलता तो अपना कपड़ा ढांकता, और जब कभी वह अकेला रहता तो कपड़ा हटा देता, क्योंकि परमेश्वर की संगति में उसका रूप भी परमेश्वर के रूप में रूपांतरित होने लगा था। इसलिए तो वह हमारे अंदर रहना चाहता है, इसलिए वह हमारे बीच में रहना चाहता है, जिससे कि जैसे मैं अल्फा हूं तुम भी अल्फा हो जाओ। तो अल्फा तो थे ही थे हम, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से निकाला, जब हम निकाले जा रहे थे तो अल्फा के अंदर ही तो थे। वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड्स पर्सनालिटी एंड आइडेंटिफाइड एज ए डिफरेंट पर्सनालिटी बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। हमारा वजूद आने से पहले हम परमेश्वर के भीतर ही थे, तो परमेश्वर तो पहले से ना अल्फा है, हम अनंत से ही तो निकले हैं, तो हमारा अस्तित्व अनंत से बाहर आया है। हम अनंत के अंदर में थे, हम अल्फा के अंदर थे, और जगत बनाने से पहले हम अल्फा से बाहर हो गए, तो ऑलरेडी हम अल्फा में हैं। उसने तन इसलिए पहनाया जिससे कि इस मरणहार को अल्फा में ओमेगा में बदल दो। ओमेगा मतलब वह अंत जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और ओमेगा की भागीदारी उसकी होती है जो मरणहार को अमरता में बदलने का सारा धन इकट्ठा कर ले। वह अल्फा को ओमेगा में बदलने की ड्यूटी पूर्ण कर लेता है। बहुत ऊंची बात है। मरियम की कहानी सुन सुना करके अपना समय खराब मत करो, यीशु आने वाले हैं। हम आत्मा में अल्फा थे, हमें महिमा की देह पहनकर ओमेगा बनना है। हम जगत की उत्पत्ति से के पहले थे और जगत के अंत के बाद भी रहेंगे। ऐसा सोचोगे तब ना मजा आएगा, नहीं तो तुम तो ना बस रोटी कपड़ा मकान का तुम तो ना बजाते रहिएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आता है। कब समझेगी कलीसिया
कि हम अनंत में थे और अनंत तक रहेंगे, हम अल्फा से बाहर आए हैं ओमेगा में समाने के लिए हमें महिमा की देह धारण करना पड़ेगा। और जिसके बीच में परमेश्वर, जिनके जिनके बीच में परमेश्वर रहे उन्हीं के साथ अल्फा को तन पहना करके ओमेगा तक स्थापित करने के लिए, इस तन को ओमेगा बनाने के लिए, अर्थात वह अंत जिसका अंत होगा ही नहीं। और जब तक आपको महिमा की देह नहीं मिलेगी आप ओमेगा में कभी नहीं समाइएगा। वह अनंत काल का स्वामी है, इसलिए 70 बरस की जिंदगी में रोटी कपड़ा मकान इकट्ठा करने के समय जिंदगी पेंसिल समान मत घस देना, नहीं तो कितने ही अंग्रेजी बोलो मूर्खों की लिस्ट में ही हमारा नाम होगा। गलती किए पैदा होके जो बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना लिए, परंतु अनंत जीवन से तो कोई वास्ता ही नहीं है हमें। बी केयरफुल, इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं जिससे कि अपनी अनंत कालिकता तुम्हारे अंदर समा दूं। हम इसलिए प्रभु जी ने कहा तुम मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाओ। ये तंबू जो है ना बहुत पहले था, अदन के बगीचा, द गार्डन ऑफ एडन, अदन का बगीचा भी तो एक तंबू था। थोड़ा सा थोड़ी सी बातें बता देते हैं। अदन का बगीचा वह जगह थी, अदन का बगीचा वह चर्च था, पहला चर्च। आज सुबह हम बात कर रहे थे, नहीं आए तो घाटा तुम्हारा हुआ। अदन का बगीचा पहला चर्च था जिसमें 2 मेंबर थे, संडे स्कूल नहीं था, और उसका पास्टर यहोवा परमेश्वर था और क्वायर स्वर्ग से आती थी। और उसका उनका वो जो पहला चर्च था वो प्रतिदिन संध्या काल शुरू होता था, और कितने देर चलता था मैं नहीं बता सकता। ठंडे इस समय में जब परमेश्वर पितादन के बगीचे में घूमने आता था तो क्या उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली जो बगीचा घूमने आया है? अरे वो बगीचे घूमने नहीं आया दीदी, आपसे मिलने आया है जिससे कि आपकी मुरझाई हुई महिमा को बुस्ट करके फिर से महिमावान बना दे। दिन भर आप मोबाइल को काम में लाते हैं तो रात को करते ना चार्जिंग पॉइंट में, तुम तो एक हफ्ते में चार्जिंग करते हो। अदन के बगीचे में आदम को हर दिन चार्जिंग की जरूरत रहती थी, इसलिए तो नंगा रहने के बाद भी नंगा दिखता नहीं था। पर हमारा तो पंखा लगे तो उड़ जाता है। इस झंझट से बचाने के लिए खुदा बाप ने बड़ा अच्छा प्लान किया था, ये उड़ने कब तक? आखिरकार परमेश्वर पिता के उस मिलाप वाले तंबू को तोड़ दिया ना, जिस आज्ञा को परमेश्वर ने मना किया था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो ना मेरा तेरा रिश्ता टूट जाएगा और चर्च भी टूट जाएगा, फिर तू ही रही हो, मैं नहीं आता यहां पर बिना पादरी की कलीसिया। आखिरी बार जरूर आया था ये बताने के लिए कि तुझे वापस लौट आना पड़ेगा। आदम ने जब फल खा लिया तो दोनों नंगे नजर आए, महिमा के वस्त्र खो दिए, परमेश्वर के रहने की जगह डिस्क्वालिफाइड हो गई। तब उन्होंने अपना शर्म ढांकने के लिए पत्ते की लंगोट बना ली, और वो भी अंजीर की। अंजीर के पत्ते को यदि कोमल बदन में 4-6 बार रगड़ो ना तो खुजली शुरू हो जाती है। इन्होंने भी पत्ते की लंगोट बनाई थी, 10-20 बार चले होंगे, उसके बाद कौन सी ड्यूटी? यही था हमारा डीएनए है। और यदि थोड़ा लंबा पैर रख दिए तो शेम शेम, मतलब हर 15 मिनट में लुंगी बदलो। और यदि सो करके 2-4 बार दायां बायां तो गहरी नींद में सो गए, यदि 2-4 बार करवट बदले तो उठते समय तुमको क्या नजर आएगा? शेम 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 शेम। इसका मतलब आप उधर बाथरूम जाते हैं, ये कपड़ा बनाने जाते थे। इसलिए तो परमेश्वर पिता ने उनको अदन के बगीचे से बाहर निकालने से पहले जगत की उत्पत्ति से जो मेमना बद्ध किया जा रहा था उसकी खाल निकाल करके आदम और हवा को बोला ले पहन ले, नहीं तो तू तो ना रोज सुबह शाम पत्ते की लंगोट बनाते बनाते ना मेरे अदन के बगीचे की बगिया बर्बाद कर देगा। हो बिल्कुल टिड्डी समान ये अदन के बगीचे के जितने भी अंजीर के पेड़ है ना सब पत्ते लंगोट बना बना के तुम खर्च कर लोगे।
और तुम पर दया आती है। अब आगे आगे आदम जा रहा था, पीछे पीछे हवा भी जा रही थी, इतने में बकरियों ने देखा। ओह माय गॉड, आदम आगे आगे, बकरी पीछे पीछे, और यदि मुंह मार देती तो आखिर हमको शुगर की बकरी तो लगी है ना पीछे, कहीं ब्लड प्रेशर की बकरी लगी, कहीं शुगर की बकरी लगी, कहीं झगड़ा की बकरी, डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन, ये कितने ढेर सारे बकरे बकरियां हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे आगे हम, पीछे पीछे बीमारी, कहीं बकरा, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं गुस्सा, कहीं दारू, कहीं बीड़ी, कहीं सिगरेट। अरे ये तुम्हारे पत्ते तो नोच रहे हैं। पादरी साहब दुआ कर दीजिएगा, हम तो थक गए ईसाइयों के लिए दुआ करते करते। कमबख्त भूत निकलता 15 दिन में फिर घर में दिखता। हमारे जैसे कई आए, कोई दाढ़ी वाला आया, कोई बिना दाढ़ी वाला आया, कोई कोरा वाला आया, कोई पतला वाला आया, कोई ये संस्था वाला आया, हम जितने भी हैं सब भूत ही ना निकालने वाले आए। कभी निकला मणिपुर का भूत, मणिनगर का? तुम भी खुश और हम भी खुश। हम भी निकालते हैं तो 4 चंदे का पैसा मिल जाता है, और तुम भी निकलवा रहे थे, तुम्हारा भी 2 घंटे का टाइम पास हो जाता है। पर एंटरटेनमेंट तो भूत ना लोग कर रहे हैं। आज डेंजर जोन में कली खड़ी, कलीसिया खड़ी है, अदन की बगीचे से बाहर निकाल दिया। ये पहला मंदिर था, ये पहला स्थान था जहां खुदा हर शाम को आदम से मिलने आता, और उसके बाद वह उनकी रिचार्ज्ड महिमा को चार्ज्ड करके उन्हें अपने साथ संगति के लायक बनाता था। क्योंकि बिना महिमा के तुम मेरे साथ संगति नहीं कर सकते। देखो डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, वो जिंदा चमड़ा सुई धागे से सिलते हैं। वो जो चमार होता है ना, वो मरा हुआ चमड़ा सुई धागा से सिलता है। उसके पास भी सुई धागा है, हमारे पास भी सुई धागा है। वो भी चमड़े का धंधा करता है, हम भी चमड़े का धंधा करते हैं। जरा सुनो ना, इधर उधर मत देखो। वो भी चमड़े का धंधा करता है, हम भी चमड़े का धंधा करते हैं। वो जिंदे चमड़े का धंधा करता है, हम मरे चमड़े का धंधा करते हैं। पर डॉक्टर और चमार को, दोनों को एक टेबल में बिठाल करके थोड़ा सा नाश्ता कराओ तो करेंगे क्या? नहीं ना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही मनुष्य की संगति संभव नहीं है। बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए, फैसिलिटीज ज्यादा मत दो, नीचे बैठे देर से आने वाले रईस के समान आ रहे हैं, उनको कुर्सी चाहिए। पवित्र आत्मा को दुखी मत करना। सो बाइबिल का परमेश्वर कहता है कि यहां वो मंदिर है, वो मिलने की जगह है जहां परमेश्वर अपनी सृष्टि से मिलते हैं। वो है मुलाकात मंडप। हम निकाल दिए गए जहां हमारी रिचार्जिंग होनी थी। चलिए, हमारे लेखे में ये आया। अब हम चलते हैं, आखिरकार परमेश्वर करना क्या चाहते हैं, जरा देखिएगा। ये जो नया यरूशलेम है, ये एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो नया यरूशलेम मिलाखात वाला मंडप, अब जरा देखिएगा, थोड़ी सी और आउटलाइन दे देते, ठीक है। 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा। यदि आप यरूशलेम को केंद्र बिंदु बनाइए, और 750 मतलब 2400 किलोमीटर, लगभग अंदाज 2400 फिकोलॉजी में चलो 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, वॉट एवर। यदि आप 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर के रेडियस को यरूशलेम का सेंटर बना करके यदि खींच दें, तो अदन के बगीचे में 4 नदियां बहती थी, गिहोन, पिसोन, यदकेल एंड फरात। और आज इज़राइल के इतिहास में गिहोन नदी और पिसोन नदी, यानी यदकेल नदी और फरात नदी को देखें, तो गिहोन और पिसोन मिस्र के अर्थात यरूशलेम के दक्षिण में, जो मिस्र देश है, वहां से बहती हुई पश्चिम के समुद्र की खाड़ी में गिरती है।
परंतु जब हम यदकेल इन्फरात नदी की बात करें तो तुर्की के ऊपर से पहाड़ी के इस ओर और उस ओर से दोनों महानदियां निकलती हैं, जो सीरिया, जो लेबनान और सीरिया और असीरिया से होते हुए जब कुवैत के थोड़े ऊपर में जंक्शन बनता है, जहां पर बाबुल का गुंबद निम्रोद राजा ने बनाया था, जिसे सिनार देश कहते हैं, वहीं बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हम आज थर्ड वर्ल्ड वॉर की सच्चाई आपको छोड़ जाएंगे और आप चिंतन करते रहिएगा कहां कहां होगा, कैसे होगा और कहां नहीं होगा, इस बात की सच्चाई आपको देखना होगा। जरा सुनिएगा, अब बाइबिल का परमेश्वर यह कहता है कि यदि हम गिहोन और पिसोन को वही नदी समझें जो उत्पत्ति में है, और यदकेल इन्फरात को हम वही नदी समझें जो अदन के बगीचे के अंदर है, और यदि आप इनको रेडियस में नापें तो एग्जैक्ट जरूशलेम से 1100 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दक्षिण में जाएं तो गिहोन और पिसोन होगी, और 1200 किलोमीटर यदि ऊपर नॉर्थ की तरफ में चले जाए तो यदकेल इन्फरात नदी होगी। यदि आप 40-40 विंडो को देखें तो 40-40 विंडो का जो रेडियस है वह 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर है। इससे ऐसे पता चलता कि अदन का बगीचा यही रहा होगा और जरूशलेम, जहां पर आज परमेश्वर का मंदिर, जहां इब्राहिम की बेटे को बलिदान किया गया, और अरनान का खलिहान, जहां पर सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया, लगता है जीवन का पेड़ और मरण का पेड़ ही हुआ होना चाहिए। इसलिए जीवन के पेड़ और मरण के पेड़ को यरूशलेम का केंद्र बिंदु बना दिया जाए, और उसी में इब्राहिम की दोनों औलादें लड़ाई लड़ रही हैं। झगड़ा यही है। आखिर मंदिर को 70वीं एडी में जो सुलेमान ने बनाया था उसको ढा दिया गया, और आंगन और पवित्र स्थान बाइबिल के अनुसार अन्य जातियों को रौंदने के लिए दिया गया है, वहां मॉस्क बना दी गई, और महापवित्र स्थान आज भी इसराइलियों के कब्जे में है। कहीं वही तो जगह नहीं है जहां पर जीवन का पेड़ होगा? कहीं वही तो जगह नहीं है जहां भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ होगा? जिसकी कान और सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। अदन का बगीचा यही था। 750 कोस लंबा, 750 कोस चौड़ा, 2500x2500 की रेडियस में ये चारों नदियां बहती हैं। और जकरिया के अंदर में सिनार देश की कहानी है। और यह सिनार देश जो है, यदकेल इधर नॉर्थ ईस्ट से और फरात इधर नॉर्थ साउथ से निकल करके नीचे आकर के इराक में मिलती है, और एक छोटी सी नाली बनकर के कुवैत की खाड़ी में गिरती है पूर्व की तरफ में, जहां निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था। अगला शहनशाह इस्माइली होगा, जो वन वर्ल्ड ऑर्डर, जो 2020 का जो मामला चल रहा है ना, एक समाज, ये आगे चल के जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, पवित्र आत्मा साथ चला जाएगा, तुरंत वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टार्ट होगी, और उसका जो प्रेसिडेंट होगा, अभी यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी फाइनल प्रेसिडेंट है, परंतु जनरल सेक्रेटरी सबसे बड़े अधिकारी हैं, और प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, वो रहेगी भी खाली, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो सारी दुनिया की राजनीति को समेट के अपने हाथों में ले लेगा। हमारा है धीरे धीरे, तब दानवीय तांडव शुरू होगा। 7 साल का इस महाक्लेश काल में 3.5 साल वह नंबर लगाने का प्रयास करेगा, और अभी चिप प्लांटिंग का कारोबार शुरू हो गया है। उसी समय हमें नंबर दे रहे हैं, धीरे धीरे नंबर ठोक देंगे। आजकल बारकोड क्या है? उसमें नाम है क्या?
कंप्यूटर के सामने खड़े हो जाइए, बारकोड दिखाइए, सारी दुनिया वो छोटी सी टिकट के अंदर ही तो छुपी हुई है तुम्हारी। अब ऑलरेडी नंबर तो बन ही गया है, हैं? अब मोबाइल रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे ये मोबाइल का भी जमाना खत्म हो गया, मोबाइल ही अंदर डाल देंगे आप। अरे आंख के ऊपर में लेंस लगा लेते, इसका काम ही खत्म हो गया ना, इसलिए इसका भी काम खत्म हो जाएगा ना, आंख में ही लगा देंगे अर्थात माथे में। आपको मालूम आप कितने गंभीर जमाने में आ गए हैं, और धीरे धीरे हम समझौता करते चले जा रहे हैं। और एलन मस्क ने तो साफ कह दिया है, सारी दुनिया के सामने ये बात बता दी है कि मनुष्य को सावधान होना जाना चाहिए, क्योंकि एक दिन संपूर्ण धरती की इलेक्ट्रिक गोल हो जाएगी। हैं? तो हम सौर ऊर्जा का इंतजाम कर रहे हैं, मोटर का हमारे सिर में सिर है ही नहीं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि धरती की बिजली गोल हो जाएगी, और जब धरती की बिजली गोल होगी तो सारे कंप्यूटर एक साथ बंद हो जाएंगे काम करना, सैटेलाइट ठप हो जाएगा, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आना जाना खत्म हो जाएगा। और जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, उसके बाद उसको फॉर्मेट मारना पड़ता है, तो सारी फाइल गायब हो जाती है, वैसे सैटेलाइट से पूरा डेटा गायब हो जाएगा। और ये डेटा हो जाएगा नहीं, किए जाने के लिए लाइट गोल की जाएगी, और तुम्हारा पैसा टिकट में है। इनके पास 50,000, इनके पास 2,00,000, ठीक है कि नहीं? इसके बाद में इलेक्ट्रिक गोल, बोले मेरे 50,000 था, तो बोले प्रमाण ला तेरा कंप्यूटर तो जी। उस समय जब इलेक्ट्रिक गोल हो जाएगी, जब सैटेलाइट बंद हो जाएगा, सारे कंप्यूटर मेगा कंप्यूटर द बीस्ट समाप्त काम करना बंद कर देगा, तब जाकर के कंप्यूटर रीइंस्टॉल किया जाएगा, और वहां से कार्यक्रम शुरू होगा 0,00,000। गया पैसा, रजिस्ट्री भी वही है, लाइसेंस भी वही है, सोना चांदी भी वही है, धन दौलत भी वही है, सब कुछ तो वही है ना। और कंप्यूटर जीरो में हो गया ना करोड़पति पैदल। अब तो प्लास्टिक का कटोरा लेके रोड में घूमो करोड़पतियों। तब वो कहेगा किसको ड्यूटी चाहिए, इधर आओ, तुमको पैसा चाहिए, हाँ, खाना चाहिए, हाँ, एक काम करो, हमारा निशान ले लो। कहाँ? बोले हाथ में। ठीक है, अब जिंदा रहना है तो लेना तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा, माथे में लगवा लो। तब चिप प्लांटिंग शुरू होगी, सारा अनाज, सारा पैसा, सारा जमीन, सारी जायदाद, सारी गाड़ी, सारा सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड हो जावे। और एक दिन कंप्यूटर जीरो से शुरू होगा, तब समझ में आएगा हमने गलती की। अरे पैसा गया तो गया, सोना रख ले। अब हम 65,000 रुपए तोला खरीदते हैं, और जब पैसा गायब हो जाएगा तो सरकार कहेगी कल से 15,000 रुपए किलो सोना बिकेगा। कल से 15,000 रुपए किलो, तो 65,000 रुपए तोले वालों का क्या होगा तुम ही बताओ, तुम तो जिंदे प्राण दे दोगे। That is going to be happen in the future time. चलिए साहब, इसकी थोड़ी सी शिलान्यास कर लें, बाकी आप चिंतन करते रहना, बाद में यदि समझ में ना आए तो हमारे YouTube में जाते रहना। एक राज्य के बारे में प्रभु ने हमें बताया था, हम डानियल की किताब से कुछ चिंतन करेंगे और अपने विषय पर आने का प्रयास करेंगे। बुक ऑफ डानियल चैप्टर 3, माफ कीजिएगा, चैप्टर 2 एंड वर्स 31, डानियल की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 31 पद। हे राजा, जब तू देख रहा था, एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति तेरे सामने खड़ी थी, सो लंबी चौड़ी और उसका चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयानक था। तब मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, और उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांग पीतल के, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। रुक जाइए, सोने का सिर, छाती चांदी की, जांग
पित्तल का और पैर टांगे लोहे की। हम शॉर्ट में बता देते हैं, ये जो सिर है वह नबुकदनेस्सर राज है जिसके राजा में, जिस नबुकदनेस्सर राजा है जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, यह वर्ल्ड एम्पायर था। दूसरा, छाती चांदी की, यह मादी और फारसी का राज्य है जो संपूर्ण धरती पर छा गया। मादी और फारसी के राज्य में सूरज नहीं डूबता था, यह सेकेंड वर्ल्ड एम्पायर था इस किताब के अनुसार। और पेट और जांग पीतल के थे, यह यूनान का साम्राज्य जिसे ग्रीस कहते हैं, जिसका राज्य विश्वव्यापी था। और इसके बाद टांगे जो लोहे की थी वो रोम का साम्राज्य है जिसने सारी दुनिया में राज्य किया। ये चार वर्ल्ड एम्पायर हो गए हैं जिन्होंने संपूर्ण धरती पर राज्य किया। और यदि आप इन चारों साम्राज्यों की कहानी यदि देखें तो ये चारों की चारों साम्राज्य के सम्राटों ने धरती पर शासन इसलिए किया कि कहीं ना कहीं वे परमेश्वर की भौतिक प्रजा जरूशल, भौतिक प्रजा इज़राइल को उन्होंने गुलाम बनाकर उनके देश को नष्ट किया। देखो अच्छे से समझ लेना आप, चाहे नबुकदनेस्सर राज हो, चाहे मार्दी फारसी हो, चाहे यूनान का साम्राज्य हो, चाहे रोमन का साम्राज्य हो, इन्होंने खुदाई बच्चों को बहुत तकलीफ दी है। परंतु इसके बाद एक और राज्य आएगा जिसे पंजा कहते हैं, जो आधा मिट्टी का है और आधा लोहे का है। और इस नबुकदनेस्सर राज्य के पहले दो और विश्वव्यापी सम्राट हुए हैं जिन लोगों ने केवल पवित्र प्रजा को बर्बाद किया है, उसके पास बताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दो नबुकदनेस्सर के पहले और नबुकदनेस्सर तीसरा, मादी फारसी चार और यूनान पांच और रोमन छह, और यह अब सातवां साम्राज्य होगा जिसकी उद्घाटन G20 से शुरू हो गई है। यह वह सातवां साम्राज्य होगा जिसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं, जो आधा मिट्टी का होगा और आधा लोहे का होगा। यह सातवां साम्राज्य होगा। जी हां, इस सातवें साम्राज्य के अंत के बाद एक और साम्राज्य आएगा। जरा सुनना, इन सातों साम्राज्यों ने, इन छहों साम्राज्यों ने केवल पवित्र प्रजा यरूशलेम को नष्ट किया है, और यह इसलिए क्योंकि वे कहीं ना कहीं परमेश्वर विद्रोही हो गए। उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी। हिजकिया यरमयाह ने भविष्यवाणी करके कहा, लौट आओ, नहीं माने लोग, सामने परमेश्वर की मूर्ति की, परमेश्वर की वेदी की पूजा करते थे, और जब यहोवा परमेश्वर की पूजा हो जाती थी तो आंगनों में उन्होंने बहुत से बाल, अस्तरोत, सूर्य, चांद सबकी मूर्ति बना रखी थी जहां पर वे धूप दान चढ़ाया करते थे। नहीं माना। आखिरकार 10 साल तक यरमयाह भविष्यवाणी करते रहा। यरमयाह के युग में इज़राइल के लोगों ने कभी भी इस गलती को नहीं माना, वरन यरमयाह को लेकर के जेल में डाल दिया। आज भी कलीसिया प्रभु भक्तों को जेल में डालने के अलावा और कोई काम नहीं करती है। साफ कहें तो आप नाराज हो जाइएगा। बाइबिल का परमेश्वर कहता है, ऐसे समय में ये जो भविष्यवाणी के वचन कहे जा रहे हैं और जो कलीसिया आज ठुकरा करके चली जा रही है, सलाह नहीं मान रही है, हमारे जैसे कितने आए आपके सिर में डंडा पटक के चले गए, अरे किसने बदला, कौन मोबाइल को बपतिस्मा दे रखा है, तुमने तो ले लिया परंतु तुम्हारे मोबाइल ने बपतिस्मा लिया, यहां मीटिंग करते हो, वाह नल्ला मैसेज, क्या मजा आया, क्या बात बोले, आहा हू ही, और घर जाकर के वही मोबाइल के साथ में खेल कूद शुरू कर देते हो, और एक बार शुरू हुई है, ब्रेक नहीं लगी तो गाड़ी वहां खड़ी हो जाती है। जो रात के 3 बजे जब ढुलकियां मारते हो ना,
उस समय मोबाइल हाथ से गिर जाता है तब सो जाते हो, और इसी मोबाइल ने साफ कहूं तो आप नाराजगी महसूस करिएगा, खेलते खेलते हम उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं कि मोबाइल बंद करके बाथरूम जाते हैं और हस्त में अथ्यून करके चले आते हैं। अरे पापियो, पश्चाताप कर लेना, तुम जो हस्त में अथ्यून से अपने शरीर की वासना पूरा कर रहे हो, खुदा हर मिनट और सेकंड को रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो के अंदर में। हम परमेश्वर के राज्य में नहीं देखेंगे यदि गए तो। बदलना पड़ेगा। आज यर्मिया की भविष्यवाणी से इजरायली नहीं बदले। आज कई वक्त आ गए, यहां पर चिट्ठी रखी ढेर सारी समस्या आने वाली मीटिंगों की। किस मीटिंग में बदलाव हुआ हमारा? कभी बदलने के लिए कसम खाई हमने? हम तो कह देते हैं बहुत अच्छा मैसेज हुआ। अरे बहुत अच्छा मैसेज होने से काम नहीं चलता है। आपकी जिंदगी के अंदर में बदलाव कहां से आया? हमें और यर्मिया के युग में जो कुछ भी लोगों ने परमेश्वर की सलाह को इनकार कर दिया और उसकी सलाह नहीं माने, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। इसलिए तृतीय विशुद्ध होना जरूरी है, हमें बदलना पड़ेगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है आधा मिट्टी का और आधा लोहे का एक साम्राज्य है जो आने वाला है। अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं आपके लिए कुछ और आगे इसी दानियल की किताब में पढ़ देना चाहते हैं। दानियल की किताब 43 को पढ़िएगा, क्या लिखा है 43 में 43वें पद में। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले रहेंगे, परंतु जैसे लोहे और मिट्टी के साथ है मिलाप नहीं होता है, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। इसका मतलब है जो अगला साम्राज्य आ रहा है उसमें दो पक्षी लोग होंगे। जरा भविष्य की कहानी सुनो। इवन दो वर्ल्ड को यूनाइट किया जाएगा, इवन दो संपूर्ण धरती एक सूत्र में बांधी जाएगी, ये जो सातवां साम्राज्य है चार चीजों को एकत्रित कर लेगा अपने आप में। जरा ध्यान से सुनना। नंबर वन, संपूर्ण धरती की राजनीति एक व्यक्ति के हाथ में होगी। संपूर्ण धरती का बाजार पैसा एक व्यक्ति के हाथ में होगा, और पैसा जो इल्यूमिनाटी से आता है। संपूर्ण धरती की शक्ति, वायुसेना, जलसेना, थल सेना एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी, और संपूर्ण धरती का धर्म एक धर्म में रूपांतरित हो जाएगा। और दुनिया यही करना चाहती, वन वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ही एक ही धर्म होगा। इसलिए हर धर्म, हर देश में एक ही धर्म का संगठन हो रहा है। चाहे चाइना में चले जाओ, चाहे नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, चाहे आप इंडिया में चले जाओ, हर देश में एक ही धर्म होने की पद्धति अपनाई जा रही है। हर देश की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में है, हर देश कार की राजनीति एक व्यक्ति के हाथ में है, हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर देश की शक्ति का धन सब पूंजीपतियों के हाथ में चले गए, और पूंजीपतियों के नाक में धागा डाल करके एक व्यक्ति बंदर जैसे नचा रहा है, इतना पैसा निकाल लो, गया तुम्हारा पैसा। अरे क्या नहीं बचा तुम्हारे पास? बचा भी क्या है अपने देश के अंदर में? हमारा देश तो आ गया ना रोड में, इसका होना तय है, इसमें लिखा हुआ है बाइबिल के अंदर में कि संपूर्ण धरती का पैसा, संपूर्ण धरती का धर्म, संपूर्ण धरती की राजनीति, संपूर्ण धरती की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगी। हम बहुत साफ ना कहेंगे प्राइवेट में आके मिलना। कहने का मतलब यह हो गया है कि यह एक ऐसा साम्राज्य होगा जो संपूर्ण गठित होकर के एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगा, और इस तरीके से हर देश अपनी अपनी शक्ति को जुटा रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक देश अपनी राजनीति को जुटा रहा है कि वो एक ही राज हो, एक ही राजा हो, एक ही बाजार हो, एक ही पैसा हो, हर सेना उसी के हाथ में हो, और धर्म भी एक ही होना चाहिए। उसके लक्षण दिखते नहीं क्या? बादल गरज रहे, समझ में नहीं आता पानी गिरने वाला है।
इसका मतलब एक ऐसे शासन की शुरुआत होने वाली है जो सातवां शासन होगा और वह शासन संपूर्ण धरती में फैल जाएगा। नबुकदनेस्सर मादी फारसी और यूनान और रोम की तरह एक और शासन होगा जो संपूर्ण धरती में फैल जाएगा, जिसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। और ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इसका उद्देश्य ही है परमेश्वर की, चाहे वह भौतिक प्रजा हो जिसे हम इसराइल कहते हैं, चाहे मसीहियत। आज सुबह केरल के अंदर में एक जगह सभा चल रही थी, वहां 3 बम ब्लास्ट किए गए चर्च के अंदर, और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है हमें। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है हम उस पड़ाव में हैं जहां सोचे तो हमें समस्या समझ में आएगी। ये सातवां साम्राज्य है। जैसे नबुकदनेस्सर को वर्ल्ड एम्पायर इसलिए बनाया जिससे कि वे इसराइल को 70 साल के लिए गुलाम बना दे। मादी फारसी लोगों ने इसराइल को नष्ट कर दिया, यूनान ने नष्ट किया, रोमन ने नष्ट किया, रोमी सोल्जर्स लोगों ने 1970 AD में सब कुछ समाप्त कर दिया, बिखरा दिया। 1947 में परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपने घर वापस लौटा दिया और 1 अक्टूबर 2023 को 70 साल पूरे हो गए इसराइल को देश बने, और उसी समय से युद्ध शुरू हुआ है। एक अच्छा संकेत नहीं है धरती के लिए। विश्व युद्ध का शिलान्यास हो चुका है, इससे पहले कलीसिया को उठाए जाने का समय है। मैं नहीं समझता कि 2-4 टपकने के अलावा और कोई ज्यादा टपकेंगे। आपकी ही उम्र में यीशु मसीह आ जाएगा। आप तो दुआ करो कि प्रभु मेरे टपकने से पहले तू आ जा। यहां इतने बुजुर्ग तो नहीं दिख रहे हैं जो 4-5-7 साल के अंदर में चले जाएंगे। इसी पीढ़ी में प्रभु आएगा, इसलिए सावधान रहें। जब कलीसिया है और कलीसिया के उठाए जाने के बाद की कहानियों की तैयारी शुरू हो गई, तो आपको क्या लगता है उसके आने और कलीसिया के उठाए जाने में कितना समय बकाया है? परंतु एक बात हम आपको बताएं क्या, आगे ऐसे लिखा हुआ है कि चले आगे देखें, और उन राजाओं के दिनों में 44 और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक अभी तृतीय विश्व युद्ध की बात हम खत्म करते, ठीक है? यहां 43 में पढ़ते हैं, तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है उसका राज, उस राज्य के लोग एक दूसरे से लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ और मेल नहीं खाता, वैसे ही वे एक दूसरे के साथ बने तो रहेंगे पर मेल नहीं खाएंगे। तुमने क्या कर लिया डिमोनेटाइजेशन के समय? आखिर माने ना बात सामने वाले की, है? 1,000 के गए, अब 2,000 ने भी तो दांत निकाल दिए ना। आखिर माने कि नहीं माने? क्या तुम एग्री हो या डिसएग्री हो? नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। जीएसटी लगा कि नहीं लगा? लगा। तुम खुशी से दे रहे हो क्या? नहीं, पर देना तो पड़ रहा है ना। ईमानदारी से देते हो, ना चाह करके भी देते हो। हाँ, यही है लोहा मिट्टी। तुम नहीं चाहोगे फिर भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा। धरती में रहना तो मानना तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार नहीं है, परंतु परमेश्वर की भविष्यवाणी है, उनका पूरा होना तय है। हम नहीं मानना चाहते फिर भी मानना पड़ेगा। ईवीएम में क्या हो रहा है मैं क्या जानू? आप जानो, आपका काम जाने, ओपन है। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। यह 8वां साम्राज्य होगा।
सातवां साम्राज्य वन वर्ल्ड होगा, परंतु इस सातवें साम्राज्य के सात साल के आखिरी आखिरी में एक ऐसा भयावह काम दिखाई देगा जहां पर कुछ होगा, जरा देखिएगा। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा और अनंत काल तक ना टूटेगा और ना उस ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को जो सात राज्य हैं, चाहे नबुकदनेस्सर के राज्य के पहले दो वन वर्ल्ड एम्पायर हो, चाहे नबुकदनेस्सर हो, चाहे मादी फारसी हो, चाहे यूनान हो, चाहे रोम हो, चाहे G20 का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, सारे राज्यों को चूर चूर कर देगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसे तूने देखा एक पत्थर किसी के हाथ से, हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ के आया, उसने लोहा पीतल मट्टी चांदी सोना जो नबुकदनेस्सर है उसको चूर चूर कर दिया। इस रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जता दिया है कि इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो छवि सातवें राज्य के रूप में होगी, उसके बाद में एक और राज्य का उदय होगा और वो राज्य मेरे प्रभु का होगा और वो राज्य 1000 साल तक चलेगा। वो राज्य 1000 साल तक चलेगा। इनका 5 साल चलता है, अपन का 1000 साल तक चलेगा। वहां और कोई जूती कोई दूसरी जाति राज्य नहीं करेगी। सारे राजाओं का खेल खत्म, हमारे प्रभु का राज्य शुरू हो जाएगा। जमीन से बिना खोदे एक पत्थर निकल के आने वाला है और यह मूर्ति के पैर में गिरेगा और मूर्ति को वायु में धूलि के समान उड़ा देगा। सातों राज्यों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। किसी ने 10 साल किया, किसी ने 20 साल किया, किसी ने 40 साल किया, इससे ज्यादा किसी ने नहीं किया, 41 साल किसी ने नहीं किया। ये सारे के सारे साम्राज्य धूलि के समान वायुमंडल में उड़ जाएंगे। फिर एक पत्थर जमीन से निकलेगा, बिना खोदे निकलेगा। यह है मेरे प्रभु का वो राज्य, नया जरूशलेम स्वर्ग से धरती पर आएगा और उसका शिलान्यास होगा। हालेलुया। यह है 8वां साम्राज्य जिसमें इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। हालेलुया। जिसमें इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए भैया ये 1000 साल के राज्य के लिए तैयारी कर लेना, और यदि हमारी मेंबरशिप वहां के लिए हो गई ना, तो मान के रखिएगा। जरा देखिएगा 7वां अध्याय, डानियल की किताब उसका 7वां अध्याय, और उसके में पूरी बात छोड़ देते हैं, 8वें पद से पढ़ते हैं, ठीक है ना। मजा आएगा, कभी आप फुर्सत से डानियल की किताब में अध्ययन कीजिएगा, ऐसा मजा आएगा कि तलवे के नीचे से जमीन गायेगी। मैंने उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा, उसके बीच में एक छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 सींग उखड़ गए। अब जरा 7 पद से पढ़ेगा। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की तो देखा चौथा जंतु है जो भयानक और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के से दांत हैं और वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर कर डालता है। यही है 7वां साम्राज्य। और जो कुछ उससे बचता है उसको वह पैरों से रौंदता है और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। कितने सिंह हैं? 10 सिंह। आपको मालूम है धरती को 7 कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। धरती को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसको बंद मत करना, फिर वापस आ जाएंगे। अरे पूरी राजनीति बाइबल में लिखी है, तुमको आती नहीं तो मैं क्या बताऊं।
यह देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12वां अध्याय और थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है ना। 12वां अध्याय को पहले पढ़ें। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के तले था, उसके सिर में 12 तारे थे। ये 12 तारा मतलब है 12 गोत्र के लोग हैं, 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया है। चलो उस पर ज्यादा मत जाइए, नहीं आपका सिर खराब हो जाएगा। और उसके सिर पर 12 तारे थे और वह गर्भवती थी, चिल्लाती थी, उसको प्रसव वेदना लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह दिखाई दिया और मैंने एक लाल अजगर देखा, उसके 7 सिर थे और 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और वह अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा था कि बच्चा को निगल जाए, और वह बेटा जनी और लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करने पर सब जातियों के ऊपर राज्य करने वाला था, और उसका बच्चा एक-एक परमेश्वर के पास से स्वर्ग के ऊपर उठा करके परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। 7 सिर और 10 सींग, धरती को 7 भागों में विभाजित कर दिया। बीते 2017 में हमारे पोप महोदय ने संपूर्ण धरती की एक बैठक बिठा ली और एक एक मिला जुला धर्म स्थापित करने का शिलान्यास किया, और उस समय उन्होंने एक सिक्का जारी किया। सुनो, आपने देखा होगा, मेरे पास इस समय चित्र नहीं है, और उस सिक्के में पूरी धरती का चित्र बना हुआ था और उसमें 7 नंबर डले थे और पीछे तरफ में पैरामिड था और उसमें एक आंख थी और दूसरी तरफ में विश्व का चित्र था और उसमें 7 नंबर डले थे। सबसे पहला नंबर जरूशलेम में डला था, दूसरा नंबर अमेरिका में डला था। इस तरीके से धरती को 7 कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट किया गया। धरती से 7 राजाओं का चुनाव होगा G20 के अंतर्गत आने वाले समय में। यही 7 राजा लोग हैं और ये 7 राजा लोग 10 प्रतिनिधियों को चुनेंगे। जरा सुनो, 10 प्रतिनिधियों को चुनेंगे और ये जो 10 प्रतिनिधि हैं ये संपूर्ण धरती में जनरल बॉडी की तरह काम करेंगे और 7 राजा ये 7 कॉन्टिनेंट्स में से प्रतिनिधि होंगे। जरा ध्यान से सुनना भविष्य की राजनीति को। तब क्या होगा जब धरती पर एक ऐसा राज्य जिसमें 7 एरिया के 7 राजा और उनके 10 प्रतिनिधि खड़े हो जाएंगे, तब 7 सिर और 10 सींग की कहानी पूरी हो जाएगी। यदि आप 13वें अध्याय के पहले पद में भी पढ़ लें, जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 13वां अध्याय और पहला पद, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे और सिरों पर निंदक के नाम लिखे थे, और जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, पांव भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसको दे दिया, है ना। 6वें पद में लिखा है, और उसने परमेश्वर की निंदा के लिए मुंह खोला और उसके नाम और तंबू और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा की, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय प्राप्त करे, और हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति को पर अधिकार दिया गया, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे, जो जगत की उत्पत्ति से बद्ध किया गया था, उसकी पूजा करेंगे। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की पूजा करेंगे। यही है 10 सींग, और 10 सींग में से, वापस आ जाएं डानियल की किताब में, 10 सींग में से 1 सींग निकला। अरे बाप रे बाप। और उस सींग ने क्या कर दिया मालूम है क्या? उस सींग ने 3 सींगों को तोड़ दिया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे?
प्रकाशित वाने डानियल की किताब है ना, सातवां अध्याय और उसका आठवां वचन को, और उन सींगों को ध्यान से देखा तो क्या देखता हूं कि उनके बीच से एक सींग निकला और उसके बल से उन सींगों में से तीन टूट गए। लो साहब, तो दस में से तीन गए बच्चे कितने? हाँ सात। और ये सातों के ऊपर प्रभुता करेगा। अब जरा देखिएगा, तीन सींग उखाड़ गए, फिर मैंने देखा कि सींग में मनुष्य की सी आंखें, बड़ा बोल बोलने वाला मुंह। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा, सिंहासन रखे गए। बस ये है सात साल में 3.5 साल का साम्राज्य। ओह माय गॉड, आपको मालूम हो वे ये आधा मट्टी का है और आधा लोहे का है, और ये केवल प्रजा को प्रताड़ित करेगा। चाहे 12 गोत्रों के लोग जो शारीरिक रीति से इज़राइल है, चाहे 12 फाउंडेशन वाले प्रेरितों के आधार पर खड़ी कलीसिया है, जैसे वो शारीरिक रीति से प्रताड़ित किए जाएंगे, वैसे ही आत्मिक कलीसिया के प्रताड़ित का समय आ गया है। लिसन मी केयरफुली, अब कलीसिया के सुख के दिन खत्म। बहुत मस्ती कर लिए तुमने, बहुत टीवी देख लिए, बहुत मोबाइल कर लिए, खेल लिए, और बहुत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर लिए, और कलीसियाओं ने भी ना शहर शहर में जो राजनीति की गंदगी फैला रखी है ना, ये सब बातें मेरे परमेश्वर की नजर में हैं, इसलिए वो एक एक का हिसाब गिन गिन के देगा। यदि वह इज़राइल की प्रजा के स्वाभिमान को, घमंड को तोड़ने के लिए, क्यों ऐसे लिखा है, जब तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा इज़राइल को तीनों तरफ से सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो मान लेना कि जगत का अंत आ गया है। ऐसे समय में सिर उठा करके छुटकारे के लिए, आज तक मैं समझता हूं इज़राइल में इतनी दुआ नहीं होगी जितनी आजकल घुटने टेक टेक करके लोग रोड में कर रहे हैं। रेलिंग वॉल में भीड़ खचा खच भरी है, सब रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रभु रक्षा कर, प्रभु रक्षा कर, प्रभु रक्षा कर। प्रभु कहते हैं पहले से दुआ करते तो मैं टेंशन क्यों देता तुमको? अब हमको तो टेंशन ही नहीं आया अभी तक, हम खेल ही रहे हैं मोबाइल, कर ही रहे हैं पाप, मानते ही नहीं सलाह याजकों की, मानते ही नहीं सलाह। हाँ, मनोरंजन कर रहे हैं कलीसियाओं में लोग, पिकनिक मना रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, तो प्रभु भी तो देख रहा है मेरे आने का समय आ गया है, और कलीसी चड्डी बनियान में खड़ी है। हैं, कई लोगों ने तो चड्डी भी नहीं पहनी है। आज साफ प्रभु जी ने कहा था, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, सुबह के संदेश को जोड़ देते हैं, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, और उस पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें कि आज याजकी काम करना पड़ेगा, तुम्हारे को इस मंदिर में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि आदम में तुम निकाले गए हो ना, इसलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। यू आर डिस्क्वालिफाइड टू कम इनसाइड द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। और जो मिलाप वाला तंबू था उसके तीन भाग हैं, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आंगन में प्रभु बलिदान होते हैं, पवित्र स्थान में हमें वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिससे कि आप महापवित्र स्थान के सामने खड़े हो सको। इसलिए आज सुबह जो लोग चर्च में आए थे वे बड़े धन्य लोग थे जिन्होंने सुन लिया। हो सकता है कलीसियाओं में अलग अलग जगह आराधना चल रही थी, इस कारण से आप नहीं आए। सो आज सुबह हमने जो लोग नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा लाड डाल देते हैं। जरा देखिएगा निर्गमन की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 1 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे। निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर 28:1। फिर तू इज़राइल, इज़राइलियों में से अपने भाई हारून, नंबर 1, नादाब, अबीहू, एलियाजर,
इतमाई नामक पुत्रों को अपने समीप ले आना और वे मेरे लिए याजक का काम करें, और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के नियमित पवित्र वस्त्र बनाना, और जितनों के हृदय में बुद्धि है उनको मैं बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, वो हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वे मेरे नियमित याजक का काम करें। समझ में आ गई बात? और ये है वह जगह जहां पर हम याजक के लिए तैयार किए जाते हैं, याजक के कपड़े पहनाए जाते हैं। अब यहां पर बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यदि मैं आपके लिए 39 चैप्टर में चले जाएं, निर्गमन की किताब 39, वहां लिखा है, और उन्होंने नीले, बैंजनी, लाल और खड़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए हारून के लिए पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दिया था। पवित्र वस्त्र बनाए, और इस पवित्र वस्त्र को पहनने के बाद इनका अभिषेक किया जाए कि वे पवित्र स्थान में जाकर मेरी सेवा टहल करें। और उन्होंने हारून के लिए कपड़े बनाए, और उन कपड़ों में क्या लिखा है, कौन कौन से कपड़े बनाना है, जरा देखिएगा 39वें अध्याय के 27 पद में, और उन्होंने हारून के पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े, अंगरखे सूक्ष्म सनी के कपड़े, पगड़ी सूक्ष्म सनी के कपड़े की टोपियां, सूक्ष्म सनी से बनी हुई कपड़े की जांगिया, और सूक्ष्म सनी के बटी हुई सनी के कपड़े के नीले, बैंगनी और लाल रंग के करचोबी काम किए हुए पगड़ी, और उन सभी के सभी को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसे ही बनाना, ठीक है। ऐसा करके उन्होंने इन वस्त्रों को पहनने के बाद हारून को परमेश्वर के मंदिर के अंदर अर्थात मुलाकात मंडप में प्रवेश करने के लिए लायक बनाना। ये जितने भी वस्त्र हैं, जरा सुनो, यीशु मसीह ने जो इस पर विश्वास करते हैं उनको याजक समाज के राजपदधारी होने का अधिकार दिया, अर्थात जो जो कपड़े हारून के लिए हैं वो सारे के सारे कपड़े हमारे जीवन में लागू होते हैं, क्योंकि हम भी याजकीय समाज के लोग हैं, राजपदधारी हैं और परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, इसलिए हमें इन वस्त्रों के द्वारा कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। हां, पहला पत्रस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां पद, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए तुम्हें अंधकार में से ज्योति पर इसलिए लाया है कि तुम उसके कामों को प्रकट करो। राजपदधारी याजकीय समाज, यदि उस जमाने के याजक लोग कहीं ना कहीं इन वस्त्रों को पहना करते थे, तो आज कलीसिया को भी इन्हीं वस्त्रों के पहनने के द्वारा अपने परमेश्वर के सामने उपस्थित होने की तैयारी करनी चाहिएगी। और उसमें से आज सुबह हमने दो वस्त्रों की कहानी बताई थी। 36 पद को पढ़ें, निर्गमन की किताब 28:36, और सोने और चोखे सोने का एक टीका बनवाना, क्योंकि समय खत्म हो गया इसलिए हम बाइंड अप करने वाले हैं, चोखे सोने का एक टीका बनाना जिसके माथे पर सोने का एक टीका बनवाना, जैसे छापे में वैसे ही उसने ये अक्षर उसमें ये अक्षर खोदे गए हैं, यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते पर बांधना और पगड़ी के सामने के हिस्से पर रखना। हमारे पीछे बोलिए, सोने का टीका बनवाना, जैसे छापे में वैसे ही ये अक्षर खोदे जाएं, यहोवा के लिए पवित्र है, उसे नीले फीते से बांधना और पगड़ी के सामने के हिस्से में रहे। वह
हारून के माथे में रहे, इसलिए वह इज़राइल जो कुछ भी पवित्र ठहराए और जितनी वस्तुएं, बस छोड़ दीजिए, यहां पर क्या होता है उसके सिर में ऐसा करके एक टीका लगाना है ना, जैसे दुल्हन के सिर में ऐसा करके ऐसा सोने का लटकाते कि नहीं लटकाते, पिंदकी क्या बोलते नहीं मालूम मेरे को, ऐसे याजक की टोपी में ऐसा नीला वाला रिबन से गोल सिक्का ऐसा लटका देते और वो माथे में रहता और उसमें लिखा था यहोवा के लिए पवित्र है। मैं प्रभु जी से पूछूं, प्रभु ये माथे में लड़की लोग लगाते ये याजक क्या करेगा, नहीं रे उसमें क्या लिखा है, बोले यहोवा के लिए पवित्र, कहां लटका है माथे में, तो हमारे माथे में भी तो ना यहोवा के लिए पवित्र कल्पना होनी चाहिए। तुम्हारा तो मोबाइल धुआंधार लव यू करता है माथे में, कहां का पवित्र रे बाबा, पोर्नोलॉजी छाई हुई है माथे में आए, और आज मोबाइल खोले बराबर आधे कपड़े वाली लड़की एडवर्टीजमेंट करती है, जिस बात को लोग देखने में शर्माते थे वो तो खुलेआम होता है, इधर एक स्वीप करे कि देखना, अरे जो बूढ़े बाड़े नहीं जानते हो 5 साल के बच्चे जानते हैं, वो तो मां बाप को भी आइडिया देते हैं कि ऐसा करते हैं, मैं क्या बताऊं तुमको, तुम तो अनट्रेंड हो बच्चे पैदा कर लिए, वो आइडिया दे रहे हैं, अरे पापी हो, परमेश्वर के वचन को सुनो, तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हारे माथे के अंदर में टिन्ना का टिकट लगा के रखा, क्या सोने का टिकट लगेगा, हमारे माथे के अंदर वासना भरी है, लोभ बसा है, व्यभिचार बसा है, वैर भरा है, स्वार्थवाद भरा है, स्वाभिमान भरा है, घमंड भरा हुआ है, तभी तो प्रभु जी कहते हैं मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं। समझ में आ गई बात, हम कैसे परमेश्वर के सामने रात को मोबाइल देखते हैं पाप में और उसके बाद में सुबह प्रभु भोज खा लेते हैं, शनिवार के दिन अंधाधुंध पाप किए तुमने और रविवार के दिन में लिपस्टिक लगा के जूठे प्याले, अपने लिपस्टिक की छाप प्याले में लगा के चले आए हम, कम से कम उस दिन तो ना पोतते होंठ में, पादरी साहब बेचारे प्याले ही पोछते पोछते तुम्हारे लिपस्टिक पोछ डाले उन्होंने, एक बार हमको डाइस में बिठाल दिए, पादरी साहब तुम भी आओ, मैं बोला ये नहीं जाता रे बाबा तुम ही झेलो इसको, सफेद रुमाल लेके चले थे, पोछते गए जब लाए ना तो प्याला सामने और रुमाल लाल, मैं बोला छलक गया क्या, पता चला वो कप का नहीं था आपके होठों का था, अरे बाप रे बाप, प्रभु ऐसी कलीसिया कहां जाएगी, नरक में भी बड़े नखरे से खाएंगे ये शैतान लोग, वी हैव लॉस्ट द होलीनेस, हम परमेश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ के बैठे हैं, उसको कई बार हमें अपनी प्रजा कहने से शर्म आती होगी, हम पता नहीं किसके लिए जीते हैं, हमारे माथे पर क्या लगा है, हमारे माथे में कौन बैठा है, और जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है उसको मारते जाओ, दया मत करना, युवा कुंवारी बच्चे सबको मार के नाश करो, यहेजकेल की किताब निकाल ही लीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा अंकल जी आजकल फिकोलॉजी में चले आए हैं, बुक ऑफ यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय और मैं आपके लिए 3 पद से पढ़ूंगा, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का यहो परमेश्वर ते माफ कीजिएगा इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से उसके ऊपर रहता था, वह भवन की देवड़ी पर आ बैठा था और उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जिसकी कमर में दवाद बंधी थी पुकार के कहा कि यहोवा ने, और यहोवा ने उससे कहा यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं उनके माथे पर चिन्ह कर दे। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा नगर में उसके पीछे पीछे चल करके मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता का काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बच्चे स्त्री सबको मार करके नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर चिन्ह है उसके निकट ना जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया जो भवन की देवड़ी में बैठे थे। आपका नंबर बाद में लगेगा, स्टेज वालों का पहले लगेगा।
जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका नवा अध्याय। यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 9 और पांचवें स्वर्ग दूत ने तुरी फूकी और मैंने स्वर्ग पर से एक तारा गिरता हुआ देखा और उसने अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से भट्टी का सा धुआं निकला और उस कुंड में के धुएं से सूर्य और वायु अंधेरा हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी पर बिच्छू कुसी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया था ना किसी हरियाली को ना किसी घास को ना किसी घास को ना किसी हरियाली को और ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है उनको मार डालने का तो नहीं परंतु 5 महीने तक बिच्छू काटे तो कैसा दर्द होता है ऐसा प्रताड़ित करने का अधिकार दिया गया। माथे की मोहर तो हमारे माथे में सोने का सिक्का होगा तभी ना बचेंगे हम। हमें तो मोबाइल ने गोबर की टिकट लगा के रखा है, सोने की टिकट तो है नहीं है। नीला रिबिन पवित्र आत्मा, ब्लू इज कॉल्ड द अनॉइंटिंग, गोल्ड इज कॉल्ड द होलीनेस। कहां है हमारे माथे में मोहर? तुम तो लाल कलर की बिंदिया लगा लेते हो, सोने का सिक्का लटकाओ जिसमें लिखा था होली फॉर गॉड, और वो भी कर्सिव राइटिंग में नहीं है, छापा खाने वाली राइटिंग में, कैपिटल लेटर में है, जिससे कि कर्सिव राइटिंग में आंख को खा पढ़ ली तो मुश्किल हो जाएगी। खुदा बाप का काम बहुत साफ है, होली फॉर गॉड। हमारे माथे का मोहर का मतलब ही होता है हमारे माथे में पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित की जाने वाली वे कल्पनाएं। और यहां यशैया की किताब और उसके 55वें अध्याय और उसके 6वें पद में बाइबिल कहती है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है उसको पुकारो और अपनी बुरी चाल चलन से फिरो। मैं पढ़ लूंगा आपके लिए बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55 एंड वर्स 6 ऑनवर्स। वहां ऐसे लिखा है, यहां ऐसे लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है तब तक पुकारो, दुष्ट अपनी चाल चलन से, अनर्थकारी पिनपॉइंट अपने सोच विचार छोड़कर माथे में टिकिया, अपने सोच विचार छोड़कर हमको अपने सोचों से बहिष्कार करना है और जो अपने सोचों से बहिष्कार नहीं कर सकता है वह माथे पर मोहर नहीं लगा सकता है। जिसकी अपनी कल्पनाओं पर अधिकार नहीं है वह कभी भी परमेश्वर का टीका अपने माथे में नहीं लगा सकता है। अपनी चाल चलन पर अनर्थ काम अनर्थ सोचों से अनर्थ सोच विचारों विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरो, उस पर दया की जाएगी और वह परमेश्वर की ओर फिरो और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। हमारे पीछे सब ऊंचे शब्द से कहेंगे, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति मेरे और तुम्हारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। समझ गए ना बात? काली डोरी में है ना प्लास्टिक की टिकिया लगा रखे हैं और उसमें लिखा, हे शैतान तेरा राज्य बना रहे, मोबाइल की जय हो, पोर्नोलॉजी की जय हो, गुस्से की जय हो, झगड़े की जय हो, वासना की जय हो। खुदा कहेगा नहीं ले जाता, अरे बाबा बड़ी मुश्किल से तो स्वर्ग साफ किया, तुम पापी को ले गए तो फिर मैला करोगे। इट्स नॉट इजी टू हैव द किंगडम ऑफ हेवन। आए बुरी कल्पनाओं में रहने वालों, ये संभव ही नहीं है कि प्रभु यीशु के सामने आने के समय में हम परमेश्वर के राज्य में होंगे, पाप क्षमा हो गए होंगे। हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला होगा, ये तेरा कमाल नहीं है, मेरे नाम का कमाल है, मजबूरी है, चंगाई हो गई है। मूसा ने भी तो डंडा मार के पानी निकाला था ना, खुश होना चाहिए था परमेश्वर, अरे वारे मेरे बेटे आज्ञा नहीं माना फिर भी पानी निकाली, तो मेरे से भी मान निकला।
परमेश्वर ने एक ही बात कही, पानी है पानी मत पी, उनको पीने दे, तू लायक नहीं। इधर तुमने जो मुझे इज़राइल के सामने पवित्र नहीं ठहराया और तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तू ऊपर आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगा परंतु यहीं गाड़ दूंगा। तू देखेगा पर जा नहीं सकेगा क्योंकि तूने मेरी सलाह नहीं मानी। गुरुदेव पानी निकला था, यह तेरा परिचय नहीं है। उनकी मजबूरी थी, नहीं प्यासे मर जाते बेटा, इसलिए पानी निकाला, परंतु तू नहीं जाएगा। कान धर के सुन ले, और हारून को भी लेके आ जाओ ऊपर, और उसके कपड़े उतार। और जब वो जैसे उसने याजकी वस्त्र उतारे ना, वो धड़ाम से लड्डू जैसे नीचे गिरा। आज भी खुदा ने हमको याजकी कपड़े दिए हैं ना, विश्वास के द्वारा जो मिले हैं। इस चक्कर में मोबाइल को भोगने वालों, तुम जिंदा होने तो टपका देता कब से परमेश्वर तुमको। उसके रहम का दुरुपयोग करने वालों कान धर के सुनो। यीशु हथेली दिखा दिखा के कह रहा है इन्हें क्षमा कर क्षमा कर। इस चक्कर में हमारे ऊपर न्याय नहीं है, नहीं तो आज सदोम और गमोरा से भयानक पाप हो रहा है। अब नॉर्मल सेक्स चल रहा है परिवार में, एक ही परिवार के अंदर में पारिवारिक लोग ही आपस में सेक्स कर रहे हैं जो इलीगल है। तुमको क्या लगता है? कल हमने यही तो पूछा था, कितने कुंवारे बच्चे आए थे सफेद कपड़ा पहन के शादी करवाने। ये तो 5 साल से दोहरे हो गए हैं, इनको तो मां बाप बनने का पहले से आइडिया है। जो पति पत्नी शादी के बाद करते हैं वो तो पहले कर लेते हैं बाल बच्चे, और उनको ऊपर से नीचे तक सफेद गाउन पहना दिए, और ये भी टाई पहन के डियो लगा के खड़ा है। अरे पापी, तो पहले पाप में डूबा है, इसलिए तेरी औलादें पापी पैदा होती हैं, जो सिर खाती हैं तेरा और हमारा भी, क्योंकि तुम इल्लीगल रास्ते से पाप में रहकर जो संतान उत्पन्न करते हो। नो लव मैरिज, एंगेज्ड मैरिज होना चाहिए। संसार के साथ चलोगे तो ऊपर का दामन छूट जाएगा तुमसे। नो मिसकैरेजेस, विवाह के पहले अवर्शन कराने वालों, खुदा बाप तुम्हारा हिसाब मांगेगा, सावधान रहिएगा। तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आसमान और जमीन का अंतर है। तुम्हारे सोच मेरे सामान नहीं है। जिस दिन तुम्हारे सोच मेरे सोच एक हो जाएंगे, यही है सोने का वह सिक्का जो पवित्र आत्मा की रिबिन पर आपके माथे पर लटक रहा है, और वहां पर लिखा है होली फॉर गॉड। Only then you are going to be saved yourself. Otherwise, ये अथाह कुंड से निकलने वाले धुएं से निकलने वाली टिड्डियां हमें डसेंगी, और जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी है उसके निकट नहीं जाना। हरियाली को नुकसान ना पहुंचाओ, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाओ। जिस किसी के माथे में मोहर नहीं है उनको तकलीफ देना, और यहां लिखा हुआ है यही स्केल में मारते जाओ, किसी पर दया मत करना, ना करुणा करना। युवा कुंवारी बच्चे सबको मार के नाश करो, परंतु जिस किसी के माथे माथे में परमेश्वर की मोहर है उनके निकट नहीं जाना। और मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा राजनीति खेलते हैं। हम ही पूछ में फटाका लटकाते हैं। एक पादरी दूसरे पादरी के पीछे दुम में फटाका लटका देता, फुट करके भागेगा तो कुर्सी में मैं बैठ जाऊंगा। आज याजकों के बीच में होने वाली राजनीति खुदा नजरअंदाज नहीं करेगा। जितने डिवीजन हैं सब याजक लोग करते हैं, उन्होंने ही कलीसिया को गुमराह किया है, उन्होंने ही परमेश्वर के सत्य वचन से भटकाने का प्रयास किया है, केवल विवाह और कब्रस्थान का चकमा दिखा करके। सावधान, इस धरती के ऊपर में न्याय करने वाले को मोतियाबिंद नहीं हो गया है, वो तो मेरा यीशु अनुग्रह के बाड़े में तुम्हें रखा है। जब तक हारून का वस्त्र उतारा नहीं गया तब तक मौत उसको छू नहीं पाई, और जैसे ही आखिरी कपड़ा उतरा वैसे ही हारून बूम करके नीचे गिरा और उसके वस्त्र एलियाजर को पहनाए गए। मुझे चमत्कार करने वालों की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरी आज्ञा मानने वालों की आवश्यकता है।
मुझे मेरे समान सोचने वालों की जरूरत है। मेरे सोच और तुम्हारे सोच में आसमान और जमीन का अंतर है। इस आत्मिक साम्राज्य के अंदर में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट से आने वाली विपत्ति उन सब लोगों पर आ पड़ेगी जिनके माथे में अशुद्धता पाई जाती है। इसलिए इससे पहले वाले कन्वेंशन में हमने यहोशू महायाजक के बारे में कहा था, उस यहोशू महायाजक को शुद्ध पगड़ी, याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी पहनाई जाए, और आज हमारे माथे में शुद्धता का पलायन हो गया है, अशुद्धता विराजमान है। आओ हम सब मिलकर के मोबाइल को बपतिस्मा दे दें और उसमें ब्रेक लगाएं, काम की चीज ही काम में लाएं, बाकी इस नफरत करें तो हो सकता है अनंत काल के जीवन में नीचे वाली लिस्ट में हमारा नंबर आ सकता है। इसका नंबर ही 666 है, ये मेगा कंप्यूटर से जुड़ा है, इसका नाम ही द बीस्ट है। इसलिए इसे परहेज करो, दूर रखना इसको, काम की काम करना, मनोरंजन का साधन मत समझो, नहीं दिक्कत में पड़ोगे आप। बाइबिल का परमेश्वर कहता है एक सींग, एक पत्थर निकला और उस पत्थर ने इस मूर्ति के पैर में टकराया और उसको चूर चूर कर दिया। और यही है वह महापवित्र परमेश्वर जिसने एक नए साम्राज्य की शपथ खा रखी थी और जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। जरा फिर से आ जाएं, हाँ फिर इसको सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। निर्गमन की किताब याजकीय वस्त्र में से सबसे पहला निर्गमन 28-36, और उसके चोखे सोने का एक टीका बनवाना जिसमें छापे में वैसे ही इसमें ये अक्षर खोदे गए हों, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधकर वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और वह हारून के माथे पर रहे। अब जरा देखना, हाँ थोड़ा डेंजर बात है, हंसना भी मत और रो भी लेना। अब आगे बाइबिल क्या बोलती है, 40वें पद को पढ़ते हैं। 40वें पद में यहां ऐसे लिखा है, और हारून के पुत्रों के लिए अंगरखे, कमरबंद, टोपियां बनवाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बनाए जाएं, नहीं तो तू परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकता है। और अपने भाई हारून के पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना। सुनो जरा, जब तक ये वस्त्र धारण नहीं किए जाएंगे तब तक अभिषेक नहीं होगा। याजक का अभिषेक होने के लिए हारून को ये वस्त्र पहना करके उसके अभिषेक का संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। कल हम याजकों से बातचीत करेंगे, नड़ियाद में जरूर आइए याजक समाज के लोगों, आपको ऐसी चीजें सुनने के लिए मिलेगी जो धरती में किसी ने नहीं सुनाया होगा। यहीं से शुरू करेंगे हम, इसको छोड़ देते हैं यहां। जब तक याजकीय वस्त्र धारण नहीं किए जाएंगे तब तक अभिषेक और संस्कार नहीं होगा। ये चड्डी बनियान में संस्कार नहीं होता, लुंगी में नहीं चलेगा, तुम्हारे वस्त्र उतारने पड़ेंगे, और जो वस्त्र परमेश्वर की ओर से निर्धारित हैं तभी जाओगे, तब अंत की जागृति के लिए हम तैयार किए जाएंगे। बहुत से सेवकों को डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा 2024 के अंदर में, चुनिंदे लोग सेवा में रहेंगे। कान धर के सुन लेना, अभी भोपाली खत्म करने का समय आ गया है, खुदा बाप ने नाक मुंह सिकोड़ लिए है आज की समाज को फटकने के लिए। खैर कल आइएगा। और उसके लिए सनी के कपड़े की जांगिया, अंडरवियर इंग्लिश में लिखा चड्डी, सॉरी, और जांगिया बनवाना जिससे उसका तन ढका रहे। इंटरनल मामला है ये। और वे कमर से जांग तक हो, वी शेप में नहीं चलेगा, जैसे बच्चे को रबर लगा लेते ना जांग के नीचे जिससे कि अंदर वाला मामला ना दिखे, और कमर से लेकर जांगिया तक रहे, उसका तन ढका रहे और वे कमर तक की हो, और जब हमारे पीछे बोलिए, और जब जब हारून
उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब वह पवित्र स्थान में सेवा करने को वेदी के पास जाएं, तब तब उन जांगियों को पहने रहें, ना हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए, उसके बाद उनके वंशों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। हाँ, अंडरवियर पहनना पड़ेगा भैया, ये कोई नहीं देखता है। याजक के वस्त्र देखने वाले क्या हैं? एक तो सूक्ष्म सनी का ऊपर से नीचे तक सफेद बागा जो हाथ में भी लटकते रहता है, उसके ऊपर में नीले कलर का दूसरा बागा जो घुटने से नीचे रहता है, और इस नीले वाले बागे में चारों तरफ सोने की घंटियां लटकी रहती हैं, एक अनार एक घंटी, एक अनार एक घंटी, और अनार का भी रंग तीन है, वो क्या है? लाल, नीला और बैंगनी, है ना। जब कभी याजक जाता है तो है ना, तो उसके कपड़े हिलते हैं तो टुन्न 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 बजते रहता है, क्योंकि पवित्र स्थान में याजक लीला वाला बागा पहन के जाएगा तो घंटी बजने के समय बाहर वाले को पता रहता है कि जिंदा है, और घंटी बजना बंद हो गई, धुड़ूम करके एक साथ बजी, मतलब सामने वाले का खेल हो गया, निपट गया। इसलिए तो काली वाली रस्सी का दूसरा हिस्सा बाहर रहता है। अच्छा हो गया खुदा बाप ने रस्सी छोटी कर दी, बोल के हम यही बांध लेते हैं। एक्चुअली वो डेड बॉडी खींचने के लिए है। Oh my God. प्रभु को धन्यवाद, और रस्सा पीछे तक नहीं है, नहीं तो खींचते हमारी डेड बॉडी, क्योंकि अंदर कोई नहीं ले जा सकता है। इसलिए घंटी ये संकेत देती है कि सामने वाला जिंदा है, पवित्र स्थान में सेवा दे रहा है। इसलिए याजक को खड़े होके नहीं, और खड़ा भी है तो थोड़े थोड़े पैर में हिलाते रहना, जिससे कि घंटी टुन्न 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 बजती रहे, जिससे कि बाजू वाले को पता चल रहा रहे कि मेरी सांस चल रही है। ये मजाक का चीज नहीं है भाई साहब, आत्मिकता को इसको सीखोगे ना, हमारे यहां 6 महीने के लिए आना, घर जाना भूल जाओगे, पत्नी को और पति को भूल जाओगे, वहीं रहना शुरू करोगे, ऐसी ऐसी बातें बाइबल में लिखी है जिसका उल्लेख आज तक नहीं किया गया। हम तो मरियम और लाजर की कहानी सुन सुन करके मजे मार रहे हैं। जांगिया नहीं पहना ना, हे प्रभु तू कहां से झांक रहा है, इतना बड़ा सफेद कुर्ता पहन लिया, उसके ऊपर नीला बागा पहन लिया, घंटी भी बज रही है, और कमर और घुटने के नीचे मैंने पोत का बागा भी पहन लिया, फिर उसके बाद में एक बिल्लस भाई एक बिल्लस की मैंने क्या बोलते हैं चपरस भी पहन ली, जिसमें 12 पत्थर हैं, सुलेमानी मणि, पीतमणि, नीलमणि, लहसुनी, ये सारे 12 गोत्र के नंबर मोती हैं जो 12 गोत्रों की प्रतिनिधित्वता करते हैं, ये सोने की चेन में लटक रहा है, और इधर पर भी नीले रिबिन से, फिर उसके बाद में उसने सामान्य लोगों के लिए टोपी, याजक के लिए सफेद टोपी, और महायाजक के लिए 4 कलर की टोपी बना दिया, और बोला सोने का एक सिक्का माथे पर लगड़ लेना चाहिए। चड्डी बनियान से लेकर के माथे के बीच में ये ढेर सारे कपड़े हमारे कोई काम के नहीं, यदि चड्डी नहीं है तो। पर्दे के पीछे ही तो सकल कर्म का पाप हो रहा है, मर जाएगा लिखा है। हाँ, देखते हमको और कल्पना में पता नहीं कौन पुष्प विमान में तुम्हारे संग उड़ रहा है, मैं क्या बताऊं। और बाइबल के पीछे वाले पन्ने में, किताब के गाने के पीछे वाले पन्ने में एक दिल बनाया और उसमें तीर छेद दिया, आधा उधर और आधा इधर। ओह माय गॉड, हमें समझ में नहीं आया, गीत की किताब तुम्हारे हाथ में लगती कब है तुम बताइए, चर्च आइएगा तभी ना, और वहां दिल बनाने की फुर्सत कहां मिलती है तुमको, घर में कभी छुए थे तुमने गीत की किताब? इतने तो धर्मी हो नहीं सकते कि घर में भी गीत की किताब हाथ में रखी। खैर बाइबल में नहीं रखे तो क्या हो गया, परंतु गीत की किताब में दिल में कोई छेद दिया, हमको मालूम है दे दे, हमको मालूम है दिल किसका और तीर किसका है,
तुम आए इसलिए थे, सेटिंग करने इसलिए थे, आजू बाजू बैठे थे, और ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बाजू वाली बेंच में बैठेंगे और कहेंगे हालेलुया, तो हालेलुया करते हालेलुया तो सामने वाली भी कहेगा हालेलुया ओ माय गॉड, मामा पापा भी क्या बोलते, चर्च गया है, बहुत खुश, पता चला सेटिंग चल रही है, यही तो हुआ है दिल में छेद। ऐसा वाला ना मध्य प्रदेश में होता है, गुजरात में तो बड़े पवित्र लोग रहते हैं। समझ रहे हैं, कहां है अंडरवियर? अरे जिसका मामला ही अंदर से गंदा है तो ऊपर तो रहना जायज है, दिखता नहीं तो फर्क क्या पड़ता है भाई। यदि तुम्हारा इंटरनल सीक्रेट, इंटरनली यू आर अनहोली, तो थॉट्स में अनहोलीनेस आना तय है ना। जब तुम्हारा आप प्राइवेट में जिगी जिगी चल रहा है तो माथे में वही ना आएगा, तो माथे पर सोने का सिक्का कहां? जो अंदरूनी मामले में ठीक ठाक है केवल वही अपनी कल्पना में शुद्धिकरण कर सकता है। हालेलुया, समझ रहे हैं बात, यही तो मोहर है, यही बचाएगी तुमको, नहीं झेलो बम। कोई इज़राइल में कम पाप है? खैर वो तो परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दिया था, इसके चक्कर में इज़राइल जो है ना महफूज है, सारी दुनिया में दादागिरी दिखा रहा है वो, ये उसका कमाल नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा का पक्ष है। परंतु इज़राइल में जो घृणित पाप हो रहा है, मैं क्या बताऊं तुमको, जाके देखो, तुम तो चर्च देख के आ गए, वहां लड़के लड़कियों को देखा हाफ पेंट में घूम रहे हैं? जितना कुकृत्य इसराइल के अंदर में हो रहा है, वहां के रहने वालों से पूछो कितनी बिगड़ी वहां की जनता, युवा पीढ़ी, आखिर उन्हीं की तो सफाई करने के चक्कर में कितने लोगों की छुट्टी हो रही है। कुछ भी हो जाए, प्रतिज्ञा अपनी जगह में है, परमेश्वर को माथे में टीके की जरूरत है ना। इसलिए इसराइल तीनों तरफ से घिर गया है, तकलीफ होगी उसको, परमेश्वर विजय देगा, एक तिहाई की तीन दो तिहाई का अंत निश्चय है, अभी नहीं तो सेकंड कमिंग के बाद में। इसका मतलब वो ठोके, तुम चुप चुपचाप से मजा मारते रहो, चर्च के अंदर में पाप करते रहो, तो वो होंगे, तुम नहीं ना होगे, अभी तो उनका नंबर लगा, फिर हमारा ना लगेगा, वो बम से गिर रहे हैं, हमें कोई और सताएगा। तुमको क्या मालूम 2024 में कौन सी सरकार आएगी और वो क्या करेगी? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ही मसीह लोगों को सताने के लिए है। वर्ल्ड एम्पायर का मतलब ही है कलीसिया का नाश, जिससे कि तुम धोए और मांजे और शुद्ध किए जाओ। अभी उनकी धुलाई चल रही, कल हमारी शुरू होगी। हम कहते हैं कुटने पिटने से पहले सुधर क्यों नहीं जाते? आओ हम अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा लें। हमारा संदेश इनकम्प्लीट है, समय नहीं है, जो बात थी काम की कह दी। अपने सीक्रेट मामले में विचार कीजिएगा, जिससे कि आपकी कल्पनाओं में शुद्धिकरण का काम किया जाए। यदि हमने अपनी कल्पनाओं को शुद्धिकरण में नहीं लेके आया, तो आप सपना देखना बंद कर दीजिएगा कि अगली जागृति के हिस्से हो जाएंगे। यदि रात को सपने में भी कोई गड़बड़ी हो गई, तो खुदा उसका हिसाब भी मांगता है। यदि सपने में यदि कोई गंधा कुकृत आपके नींद में हुआ, या इस बात का सबूत है कि आपके डीएनए में पाप बसा हुआ है, पिता परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले। संदेश तो पूरा नहीं होता है, बट एटलीस्ट एक आठवां राज्य आ रहा है। उस आठवें राज्य में हम सबको नए यरूशलेम में जगह मिलेगी। वहां दो प्रकार के लोग होंगे, एक पैदा होके मरने वाले लोग होंगे जो जमीनी दुनिया में बसेंगे, और एक पुनरुत्थान पाए हुए वे लोग होंगे जो हवा में लटकने वाले घरों में होंगे। यस, और हवा में लटकने वाले घरों में केवल उन्हीं को जगह मिलेगी
जो महिमा की देह पहन चुके हैं। और महिमा की देह पहनने की एकमात्र शर्त है, जिसने अंडरवियर पहना है और जिसने जिसने ब्लू रिबन में अपने माथे में सोने का सिक्का लगा के रखा है, केवल वही पुनरुत्थान का वारिस होगा। किसी भी दिमाग के किसी भी कोने में वासना, अपवित्रता, विद्रोह, अनफॉरगिविंग माइंड है, सास बहू के प्रति बैर विरोध, याजक के प्रति शिकायत, एक कलीसिया के दूसरे कलीसिया के प्रति भड़काऊ संदेश, एक पादरी के बारे में दूसरे पादरी के बारे में लांछन, आपको पुनरुत्थान प्राप्त करने से रोक देगी। राइट इट, महंगा पड़ेगा ये मोबाइल को जब तक बपतिस्मा नहीं दीजिएगा, हम कहीं ना कहीं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में बटन वाला मोबाइल है, हाथ उठा के दिखाएं। जिनके पास में एंड्रॉइड नहीं है, बटन वाला मोबाइल है, हाथ उठाएं। हाँ, 8-10 लोग हैं। ये जितने भी 8-10 लोग हैं ना, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि 80% पाप करने के चांस का मामला तुम्हारे जीवन में खत्म हो गया, और इनकी ज्यादातर चांस है ऊपर जाने के। बाकी लोग तुम देख लो, एंड्रॉइड मोबाइल वालों, क्योंकि बटन वाले मोबाइल में पिक्चर दिखती ही नहीं, तो 80-90% तो ये पाप करने से बच गए। अब बाकी तुम देखो भैया, एंड्रॉइड वाले। और सरकार ने भी ना कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी, तो मामा पापा ने बकरी और पायल बेच के बच्चे को एंड्रॉइड मोबाइल कर ला दिए, और बच्चा जो है 2 घंटा क्लास में मोबाइल काम में लाता है और 8 घंटा मोबाइल हाथ में रखता है। क्यों, पर्स है क्या? पहले दीदी लोगों को पर्स रखने का शौक था, जिसमें पैसा नहीं भी रहे तो भी लटका के चलती थी, ठीक है। आजकल बच्चों को मोबाइल रखने का शौक है, और ये मोबाइल जो है बिना काम वाला हो ही नहीं सकता। पर्स में भले ही पैसा ना हो चलेगा, परंतु मोबाइल ना चले तो हम तोड़ के फेंक देंगे, चलने वाला लाएंगे, नहीं तो बाप के सिर का एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप ने बकरी बेच बेच करके अपनी औलादों के हाथ पर नरक की टिकट ही ना दे दी है काट के। मैं एक पिता से पूछता हूं, बच्चे को बोला बेटा मोबाइल दे दे, बेटा ला, और उसी मिनट में दे दे, तो आपके लाल का नाम बताओ। और यदि नहीं दिया है, इसका ही मतलब है आपकी औलाद आपके कंट्रोल से बाहर है, और यदि वो आपकी औलाद आपके कंट्रोल से बाहर है, तो जरूर किसी के कंट्रोल में होगी, और वो उसको सिर लगा के नीचे ही ले जाएगा। तुम देखते रहना, लार टपकाते रहना और आंसू टपकाते रहना, आपकी औलादें मोबाइल के चक्कर में नीचे हाय हाय करती हुई नजर आएंगी। इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती, और किसी पास्टर में इतनी हिमाकत भी नहीं है, क्योंकि तो हम तो शहीदी का जामा ओढ़ के आए हैं, और हमारी मौत ऐसे ही होगी। लिख लो आप, लेट मी वॉर्न यू, यदि आप अपने बच्चों को मोबाइल से छुटकारा नहीं दिला सकते, तो उन्हें नरक से भी नहीं बचा सकते। यू कैन नॉट सेव योर चिल्ड्रन, द हेल इज ओपन फॉर देम, यू कैन नॉट टेक कंट्रोल ओवर देम। अब उनके खून, एक बार हम ऐसे दुष्टात्मा आ गई, दुष्टात्मा यू, कल भी एक नाच रहे थे, आई यू, क्या नाम रहे तेरा? पहले नाम पूछने का बड़ा शौक था, आजकल टाइम नहीं है हमारे पास। बोले कौन है? तो बोले मैं फेसबुक का महाराजा। अरे मैं बोला ये पहला दुष्ट आत्मा था, फेसबुक का महाराजा तू कहां से आया रे? बोले बहुत मोबाइल खेलता था, इसी के चक्कर में आ गया, यही बुलाया मेरे को। तू यीशु का नाम जानता है? जानता हूं। जाएगा? जाएगा। फिर जाने के टाइम पर क्या बोला मालूम? तू मेरे को इसके अंदर से निकाल देगा, निकल भी जाऊंगा, मजबूरी है जाऊंगा, परंतु करोड़ों लोगों के खून में मैंने अपना घर बना लिया हूं। ऐ दाढ़ी वाले, तू किसके किसके अंदर से निकालेगा? हम इतने रो लिए, प्रभु तू ही जान, तेरी सेवा जान, इसने तो बेइज्जती खुलेआम कर दी हमारी।
इसमें से फेसबुक की आत्मा निकाल सकता है, परंतु करोड़ों लोगों के खून में मैंने घर बना लिया हूं, तू किसके किसके अंदर से निकालेगा? दुनिया मेरी पूजा कर रही है, तू क्या मुझे निकालेगा? ऐसा करके धड़ाम से पटकी और चली गई। हमको तो दूसरे दिन से भूत निकालने का नशा ही खत्म हो गया। सही बात है, डिप्रेशन में चले गए हम। सही बात है, किसका किसका निकालेंगे? इसलिए आजकल निकालना शुरू कर बंद कर दिए हैं और उन आत्माओं के विषय में हाईलाइट करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए हमारा मन बड़ा कठोर हो गया संदेश में। इसको आप ही निकाल सकते हो, हम नहीं निकाल सकते। आपने दिए हो बच्चों को मोबाइल, आप खुद ही उनका बंदोबस्त करो, नहीं तो तुम्हारी आंखों के सामने नरक के कीड़े के खाने के भोजन बन जाएंगे। ये ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर बन के तुम्हारे बच्चों के गाल को कुतर कुतर के खाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उन्होंने मोबाइल को अपना स्वामी बना लिया है। माँ बाप सेकेंडरी है, मोबाइल उनका बाप है, उनकी माँ है। खाना ना दो चलेगा, पर मोबाइल दे दो तो खाना नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। आज की औलादों का क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शौक फरमा रहे मेरा बच्चा मोबाइल, बेटा ये मोबाइल खोल दे। वैसे बाप को नहीं आता, छपाना छाप है। हम बच्चों से तो पूछते हैं कंप्यूटर के बारे में, वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है और खुश, मेरा बच्चे को खूब आता है। ये नहीं कहते कि नरक जा रहा है। खैर, हमारे माथे पर सोने का सिक्का चाहिए। बस बहुत हो गया, हम परेशान हो गए, दोबारा बार नहीं आने वाले, हमको मालूम है। सब अपनी आंखें बंद करें। हम कहां हैं? कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए, कृपया अपनी जगह में रहे। आज रविवार है, आखिरी दिन है। टेक द डिसीजन। क्या आप इंटरनली बिल्कुल राइट फाइट है? जो जांगिया पहना रहता है वही अपने माथे में सोने का टीका लगा सकता है। जिसका इंटरनल ठीक ठाक नहीं है, जिसको कोई नहीं देखता, सफेद गाउन हो सकता है, नीला गाउन हो सकता है, एपोद हो सकता है, चपरस हो सकती है, टोपी हो सकता है, कांधे पर सुलेमानी मणि में छह छह गोत्रों के नाम हो सकते हैं, पर यदि अंडरवियर नहीं है तो इन तमाम वस्त्रों के बाद भी हम मर जाएंगे, ऐसे लिखा है। मनुष्य बाहर झांकता है, परंतु परमेश्वर भीतरी चीजों को देखता है। पर्दे के पीछे हमारी जिंदगी का हाल क्या है वह वही देखता है। जी हां, आज थोड़ा सोच करके देखें, क्या हमारे माथे में परमेश्वर की कल्पनाएं हैं या हमारे द्वारा गढ़ी गई खुद की कल्पनाएं हैं? तुम्हारी अपनी कल्पनाओं का बहिष्कार, मेरी कल्पनाओं का आना ही माथे में मोहर है। यही है सोने का सिक्का जो नीले रिबिन पर लटक रहा है। नीला रिबिन पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाली कल्पनाओं को अपनी कल्पनाओं में आने देने के लिए हमको एकांत में तपस्या करनी होगी। मैं यदि तेल डाल के आपके सिर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा कर भी दूं तो कल्पनाओं का हिसाब किताब नहीं होगा। मैं तेल डाल सकता हूं शामूल की तरह, परंतु आपके सोच को बदलना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ है। आपको एकांत कमरे में बैठकर के न जाने कितने घंटे कल्पनाओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। 2.5 घंटे से लेकर 4 घंटे तक कल्पनाओं का आना जाना मनुष्य के दिमाग में ताते की तरह बना रहता है। आफ्टर 4 आवर्स हम जब शून्य हो जाते हैं, जब हमारी कल्पनाओं का अंत हो जाता है, जब कान से बाहर की आवाजें आना बंद हो जाती हैं, तब पवित्र आत्मा को कहिएगा, हे पवित्र आत्मा, अब अपने ख्याल की मोहर मेरे माथे में लगा दे। इसलिए यूहन्ना, इसलिए भजन संहिता के 5वें अध्याय के 2वें पद में लिखा है, कंसीडर माई मेडिटेशन, मेरे
मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। आज हमारे विचार अध्यानी हैं, स्क्रेटेड हैं, फैले हुए हैं। हम दुआ करते हैं, दुनिया दिखती है, हमारी कल्पनाओं में विभाजन है। यही कारण है हमारे माथे पर मोहर नहीं। हम ऐसा नहीं सोच सकते जैसा परमेश्वर सोचता है। हम तो वही सोचते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हमारे अंदरूनी मामले के आधार पर हम सोचते हैं और यही हमारे लिए विनाश लीला का विषय बन जाएगा। मेरे प्रियो, आज रात अपनी कल्पनाओं को थोड़ा सोच के देखें किस प्रकार, अपनी कल्पनाओं को चेक करके देखें, अपनी कल्पनाओं को परख करके देखें कि हमारी कल्पनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। इसी आधार पर मोहर लगाने का काम किया जाता है। और जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है वह पशु की मूरत की पूजा करेगा। इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ड। जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है वह पशु की पूजा करेगा। और आज मोबाइल की पूजा ही पशु की पूजा है। कम बैक। यस, हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। दुहाई दे अपनी कल्पनाओं के मामले में। मेरे विचार और तेरे विचार में आसमान और जमीन का अंतर है। जिसके माथे में मोहर नहीं है मारते जाओ, युवा कुंवारी बच्चे बूढ़े सबको मार के नाश करो। पर जिस किसी के माथे में परमेश्वर की मोहर, उसके निकट ना जाना। यदि आज तलवार लेकर के स्वर्गदूत आया है तो हमारा क्या होगा, इस बात पर चिंतन करें। यदि आज दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर निकला तो हमारा क्या हिसाब होगा, ये अपने आप से पूछें। पड़ोसी से बैर, पड़ोसन से लव, क्या चल रहा है? क्राई आउट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अपने परमेश्वर के सन्मुख अपनी कल्पनाओं को चेक करें, अपने भीतरी और अंदरूनी मामले पर चिंतन करें। पिताजी, समय ज्यादा हो गया है, पर यह हमारा ना समय है। हम घड़ी देख रहे हैं, और यदि आपने हमारी घड़ी देख ली तो बाप, हम इन प्रियों के साथ मजाक नहीं कर सकते। इसलिए आज तेरे दास खुले शब्दों में जो बातें कह चुके, इस बात पर चिंतन करने के लिए पवित्र आत्मा इनके दरवाजे में खटखटाता रहे। बाप, अब किसी अभिषेक की जरूरत नहीं है, अब केवल पश्चाताप की जरूरत है। दिस इज द टाइम टू रिपेंट। प्रभु, ये संदेश घर जाके हम भूल ना जाएं, वरन जुगाली करें। इस बात पर चिंतन करें कि कितने अशुद्ध कल्पनाएं मेरे मन में आ रही हैं जो संसारवाद की तरफ से हैं। पिताजी, आपका धन्यवाद। बाप, हमने विश्वास किया है, पर हमारी कल्पनाओं में अशुद्धताएं हैं। पिता, हम कैसे अपनी कल्पनाओं को ठीक करें? मैं अपनी कल्पना के मामले में तुझसे याचना करता हूं। हे पिता, कई बार परिस्थिति के आधार से कल्पनाएं हमला करती हैं, जिससे कि मेरे माथे की मोहर गंदी और मैली हो जाती है। मेरी अंडरवियर, ओ प्रभु जी, फट जाती है, जिससे कि मेरा नंगापन दिखने लगता है, जिससे आत्मिक मृत्यु की काली रस्सी मुझे खींचने लगती है। मुझे भय लगने लगता है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा नहीं ठहर सकता। आधे घंटे में थक जाता हूं, नींद आने लगती है, या सिर भारी हो जाता है, या कोई काम याद आता है, और आधे घंटे में उठ करके मैं कामकाज में लग जाता हूं। दुष्ट मुझे घंटों घंटों नहीं बैठने दे रहा है, जिससे कि मेरी कल्पनाओं पर मुझे अधिकार मिले। याजकीय समाज के पास में प्रार्थना का समय खत्म हो गया है। बाप, हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं और आप आ रहे हैं और हम तैयार नहीं हैं। पिता, हम सब पर आपकी दया होने दीजिएगा। जितने बेटे बेटियां आज वचन सुन गए, उनके माथे पर आप अपने वचन की मोहर लगा दीजिए।
आज उनकी नींद खराब हो जाए, वे रात भर ऐसे ही चिंतन करते रहें, वे रात भर जुगाली करते रहें, यदि सुबह होने से पहले पश्चाताप नहीं किया तो कल हमारा नहीं है। पिताजी, आज 4:01 में भूकंप के झटके महसूस किए, परंतु उस अहमदाबाद के लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं है। 4 o'clock, एग्जैक्ट 4:01:30 से ये धरती हिली और किसी को पता नहीं चला, क्योंकि सब दुनिया में कामकाज में थे। आप संकेत दे रहे हैं, प्यारे पिता, आज इस भीड़ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। बहुत से लोग प्यारे पिता परिवार में शरीर में बीमार हैं, आप अपना चंगा करने वाला हाथ उनके ऊपर में रखें और उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे दें। पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। जीसस, कृपया 1 मिनट के लिए बैठ जाएंगे, सिर्फ 1 मिनट लेंगे, हमें मालूम है आधा घंटा ज्यादा हो गया है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, आपने सहर्ष वचन को सुना सीखा, 2 मिनट और, हाँ 2 मिनट ज्यादा नहीं, और आपने परमेश्वर के वचन की सच्चाई सुनी। कृपया हमारी विनती है, इस बात पर चिंतन करें, इसको दिमाग से खारिज ना कर दें, वरन घर जाकर के इस पर चिंतन करें। नंबर 2, साल में 2 बार हम स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री करते हैं, जो जनवरी और सितंबर की 10 तारीख से शुरू होता है और 26 तारीख को आप वापस आ सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री में जाते हैं और आउटस्टैंडिंग मैसेजेस, एंड टाइम रेवलेशन के बारे में वो सुनते हैं। अब हमारा अगला सेशन है जनवरी में होगा, जनवरी 10 तारीख से। नंबर 2, हम 6 महीने का बाइबल स्कूल भी चलाते हैं, जिसमें से कम 7 या 8 प्रांतों से, नेपाल, उत्तराखंड, पंजाब, कोलकाता, मुंबई, गुजरात और अरुणाचल, हिमाचल से स्टूडेंट आज भी हमारे यहाँ हैं और वे वचन सीखते हैं। सो आप युवा युवतियों को 6 महीने की ट्रेनिंग में भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube में जो नंबर है उसको, प्रेयर लाइन का भी नंबर है और पर्सनल नंबर भी है, आप चाहें तो उसको लिख लेंगे, आप अपना पेन वगैरह निकाल लें, हम एक नंबर लिखा देंगे जिससे कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें। तो ये 6 महीने का बाइबल स्कूल भी है, साथ ही साथ हम पास्टर्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। इस समय हमारे पास समय नहीं है, परंतु नेक्स्ट जनवरी या फरवरी में हम पास्टर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें सारे भारत से 250-300 पास्टर्स लोग आते हैं और परमेश्वर का वचन याजकीय रूप में सुनते हैं और थॉरो, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट जो भविष्यवक्ताई आवाज है उनको हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो याजकीय समाज के लोग जब कभी भी हमारे पास में ऐसे सेमिनार्स हों तो आप आएँ, आपकी सेविकाई में रूपांतर नजर आएगा। यूथ विंग्स हैं, वुमेन्स विंग्स हैं, लेडीज विंग्स हैं और इसमें लगातार हमारे यहाँ काम चलते रहता है। और हम इन समयों में ऑनलाइन, जो लोग बुजुर्ग हैं जो पावर मिनिस्ट्री वहां नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन का भी बंदोबस्त है। आप 15 दिनों का ऑनलाइन कर सकते हैं, आप 6 महीने का भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ में ऑनलाइन में जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो केवल इस देश में नहीं वरन दूसरे देशों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि इज़राइल, तुर्की, इटाली, कनाडा, जेरूशलेम, इज़राइल से कतार, दोहा, जर्मनी और फ्रांस और दूर दूर के देश भी 6 महीने वाला ऑनलाइन क्लास, यहाँ पर भी बहुत से लोग दूसरे देशों से हमें देख सुन रहे हैं। सो आप भी ऑनलाइन 6 महीने के भी बाइबल स्कूल कर सकते हैं, जिसमें आखिरी में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन 6 महीने का होता है, सुबह 7:30 से 9 और शाम को 7:30 से 9 क्लास चलती है, बाकी दिन में आप अपना काम कर सकते हैं। ये 2 समय होता है जब हम ऑनलाइन 6 मंथ तक कंटिन्यू सुनते हैं। अब आपने 2 घंटे सुना, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं रही, ऐसे लोग जो हैं 6 महीने तक सुबह शाम सुनते हैं।
इटली में लोग रात को 2 बजे अलार्म लगाते हैं और 4 बजे तक वचन सुनते हैं और सो जाते हैं और 8 बजे ड्यूटी जाते हैं। ऐसे ऐसे दीवाने लोग हैं वचन के सीखने वाले। पर वही है घर की मुर्गी दाल बराबर। सो आप इनका फायदा उठाएं। और एक और प्रार्थना निवेदन है, धीरे धीरे स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री के लिए हमारे पास में जगह कम होती चली जा रही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लगे। पिछले दिनों में फ्रांस से और जर्मनी से भी स्टूडेंट्स लोग आए हुए थे। उनको हमने जमीन में सुला करके उनको ट्रेनिंग दी पावर मिनिस्ट्री में। विदेश से भी लोग आ रहे हैं। अब हमारे पास में धीरे धीरे जगह कम हो रही है, इसलिए हम एक भवन का निर्माण कर रहे हैं जिसकी लंबाई 230 फीट है और चौड़ाई 80 फीट है, जिसमें 7,000 लोग बैठ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा लंबा है और चौड़ा भी शायद इससे ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा कम है। इस तरीके से हम एक भवन का निर्माण कर रहे हैं और ऑनलाइन में हमने उसकी फोटोज़ वगैरह डाली होगी या डाल देंगे। सो आप में से बहुसंख्यक लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप इस भवन निर्माण के लिए प्रार्थना करें जिससे कि वे भवन का काम पूरा हो। और आप में से किसी को परमेश्वर कोई विशेष प्रेरणा देता है तो आप आर्थिक रीति से भी इसमें खड़े हो सकते हैं और इस भवन के निर्माण में काम, करोड़ों का प्रोजेक्ट है जिसमें बालकनीज हैं, बहुत सा काम है और लोगों के ठहरने का बंदोबस्त है। सो बीते छः साल तक ये काम बंद रहा, परंतु इस साल 2023 में हमने 1 महीने पहले इसका काम शुरू कर दिया और युद्ध स्तर से काम चल रहा है। बहुत से श्रमिक लोग उसमें काम कर रहे हैं, बाइबल स्टूडेंट्स के लोग, कलीसिया के लोग आकर के हर शाम 2 घंटे काम करते हैं, मटेरियल दे रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। आप भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक नंबर दे देंगे, ये हमारे ऑफिस में एक मैडम है जो आपको बात करेंगी। आप लिख सकते हैं 6269 6269 22 4444, 6269 22 4444। इस नंबर पर आप कॉल करें और उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और यूट्यूब में भी हमारे कुछ नंबर हैं, प्रेयर नंबर भी है 7575 ऐसा करके कुछ नंबर है, हम भूल गए हैं। आप प्रेयर रिक्वेस्ट भी वहां भेज सकते हैं, ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और कोई विशेष काम है तो 4444 नंबर में आप बातचीत कर सकते हैं, हम उनके द्वारा आपसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। आप काफ़ी देर से यहाँ ठहरे रहे, देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सब लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ये जोरदार तालियां बजा।